ये पश्चिम गोदावरी जिले का कृष्ण गांव है। 40 साल पहले यहीं बैठे रहना। अरे सुनो, लाउड स्पीकर को जरा बंद कर दो, सबके आराम करने का वक्त है भाई। सुबह सबको पूजा के लिए भी तो जल्दी उठना है, जल्दी जाओ। जजमान जी, पंडित जी, अब आप जाकर आराम कर लीजिए, सुबह बहुत सारा काम करना है। आप देख रहे हैं ना माँ देवी का मंदिर कितना जगमगा रहा है। अब ये सब तो आपकी मेहरबानी है पंडित जी। अब जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे सूरी जी मालिक, आज रात को तुम यहीं ठहर जाओ जी, कल रथ की तैयारी करनी है जी। मैं बद्री से भी कह देता हूँ। ठीक है? ठीक है मालिक। तो ठीक है पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए। अरे कितनी गर्मी है यार। चोर चोर देखो, वो मुर्गी चुरा के भाग रहा है। क्या हुआ? पकड़ो उसे। चोर 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 पकड़ो। ए रोक, चोर चोर पकड़ो। ए रुक जा, मुर्गी लेकर कहां भाग रहा है? मुर्गी लेकर भाग रहा है, पकड़ो। बाबा, ए रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम? हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने मंदिर में चोरी करके गुनाह किया है और तुम इसे मारकर और गुनाह कर लो। क्या सजा दिए भी नहीं, इसे छोड़ दे। बस करो, इसे सजा देने के लिए पुलिस है, कानून है, इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। हमारे सरपंच जी ने कहा छोड़ दो तो खुश मत होना। कुएं से तो बच गए पर खाई में आ गए हो। वो शहर के इंस्पेक्टर शेरा सिंह के सामने जा रहे हो, बहुत खतरनाक है, चमड़ी उधेड़ देगा। अरे क्या बात कर रहे हो, सीधा लटका देता है। कल बगल के गांव में शादी में एक चोर पकड़ा गया, पूरे गांव के सामने उसके दोनों हाथ काट दिए। अरे ये तो पानी में कूद गया। बैठे बैठे क्या देख रहे हो, बचाओ उसे। हमने हर तरफ ढूंढा, लाश नहीं मिली साहब। अच्छा हुआ, उसके किए की सजा उसे मिल गई। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस लड़के को शहर के यतीम खाने में जाके छोड़कर आते हैं। आप क्या कहते हैं सरपंच जी? रो मत पिताजी, आज से वेंकट हमारे साथ रहेगा। ये एक चोर का बेटा है, चोर ही बनेगा। ये गलत होगा। इसमें गलत क्या है भाई, आखिर इस लड़के का क्या कसूर है? क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? मेरे बेटे ने बहुत सही बात की है, इतनी कम उम्र में इसने इंसानियत दिखाई है। अब ये मेरे साथ घर जाएगा, मेरे बच्चों के साथ इसकी भी परवरिश हो जाएगी। मेरे लिए तो ये देवी माँ का आशीर्वाद है। पढ़ाई करने के लिए वेंकट रमन शहर गया था और वहां से कलेक्टर बनकर लौटा। कलेक्टर बनकर वेंकट रमन को कितनी खुशी हुई थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बड़े भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। चलो चाचू। अरे क्यों परेशान कर रहे हो, नीचे उतरो तुम। अरे क्यों नीचे उतरो, मेरा भतीजा है ये, और क्या परेशानी। बचपन में मैं भी तो ऐसा ही करता था। वापस चला जाऊँ क्या? नहीं भाई, चलो घर चलते हैं। गीता बड़ी नाराज है भाई। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे कलेक्टर बन जाने से मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया है। सब आपकी बदौलत। नमस्ते। मेरी खूबसूरत बहन के लिए एक खूबसूरत तोहफा। ये क्या भैया, कल शादी है और आप आज आ रहे हो? जरा काम में मसरूफ था, पर तेरी शादी हो और मैं ना हो ऐसा हो सकता था? आप मुझे ले चलोगे ना? हाँ बेटा जरूर ले जाऊंगा। सुनो भाई, ये झूले पर बैठने की बहुत जिद करता है, इससे बैठाना मत। क्यों? अरे ये उसमें उछल कूद करता है, मुझे डर लगता है। हैं? इसके बैठने से तुम्हें क्यों डर लगता है? बेटा हम चलेंगे, तुम झूले पर बैठना, पर शरारत मत करना, ठीक है? अब तो परेशानी नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ चाचू, मैं चुपचाप बैठूंगा, शरारत भी नहीं करूंगा। ठीक है ना भैया? ये हुई ना बात, गीता की शादी के लिए आपने पापा को मना ही लिया। अरे भाई वेंकट, हमारे गांव में अगर पुल होता ना तो बारात का बहुत ही शानदार ढंग से स्वागत करते, लेकिन अभी तो नदी से जाना होगा। नाव को जल्दी किनारे लो, तूफान आ गया है। जल्दी करो भैया। क्या बेवक्त बारिश आ गई, बारिश तो बढ़ती जा रही है। तुम उस तरफ जाओ, जाओ जाके देखो वहाँ क्या हो रहा है। आप इधर आ जाइए, थोड़ा आगे तक देखो, जल्दी जाओ। आराम से, आराम से। आप इधर आइए। पिताजी, पिताजी क्या हुआ है? पिताजी, बाबा, तुम इस तरफ मत जाओ, तुम इस तरफ। मेरी बात क्या हो गया भैया? तुम घबराओ मत, देखो पापा उन्हें लेकर आ ही रहे हैं। तुम रो मत भैया, ये कैसे हो गया? वेंकट भाई, आज तुझसे कुछ मांगू, तू देखा ना मुझे। हाँ कहिए ना भैया। तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करूंगा, कर्ज को चुकाने का रास्ता बताओ। बोल, चुकाएगा ना तू? भैया वो कर्ज इस जन्म में तो चुका ही नहीं सकता। अब बताइए भैया, इस गांव में एक पुल की जरूरत है। आज जो हादसा हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अब तू एक IAS ऑफिसर बन चुका है, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। चुप बोल। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा भैया, मुझे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मेरे भाई, तुझे काम कर रही होगा। पुल बनने तक तू इस गांव में कदम नहीं रखेगा, वादा कर मुझसे। भैया इतना ही नहीं, तू मुझसे बात भी नहीं करेगा और मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं। भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे, मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं? ये सजा सिर्फ तू ही नहीं भुगतेगा, ये सजा मुझे भी झेलनी होगी। हमें ऐसा ही करना होगा, हमारे लिए नहीं पूरे गांव के लिए। मुझे तुझ पर भरोसा है, वादा कर भाई, वादा कर। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अगर कभी मेरी याद आए तो, या मुझसे मिलने की इच्छा हो तो आज के इस हादसे को याद करना। मुझसे वादा करो, वादा करो। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। पुल बनाने का वादा करके वेंकट अभी तक नहीं लौटा। इस गांव में अभी तक पुल तो नहीं बना, लेकिन उसका बड़ा भाई इस गांव का सरपंच बन गया और पूरे गांव से यही कहते रहते हैं कि वेंकट पुल जरूर बनाएगा। लोगों को बड़े भाई की बातों पर यकीन नहीं रहा। पुल बनेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बड़े भाई को लोगों के ताने आज भी सुनने पड़ते हैं। 20 साल पहले जो हादसा हुआ था उस सदमे से आज भी उनकी प्यारी बहन जूझ रही है। चलो गीता, घर चलते हैं। भैया वो आ रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं। वो कल आएंगे गीता, मेरी फोन पे बात हुई थी। चलो आओ आराम से। शांति जी, आ रही हूँ। सुनो जी, डॉक्टर साहब ने कोरियर से गीता के लिए कुछ दवाएं भेजी हैं। चंदू से कहा था ले आए, लाया क्या? नहीं, पास के गांव में मेला लगा है, वहाँ गया होगा। मेले में? मर गया आज मेरी मौत है। बोला था मेले में घुमाऊंगा, मौत के झूले में बिठा दिया। यमराज छोड़ दो, अगली बार ले जाना। मौत का सफर कब का खत्म हो गया? अरे मैं बच गया, तू यमराज नहीं है। अब उतर वरना दूसरा 200 रुपया देना पड़ेगा। चल निकल। 200 नहीं 600 दे दूंगा। एक गोल गया। जमीन भी झूला खा रही है। अरे मेरी गलती नहीं है। मौत के झूले के बाद चक्कर आया तो तुमसे टक्कर हो गई। छी लोफर कहीं के, ये सब करने आते हो? जानबूझ कर टक्कर मारते हो और माफी मांगते हो। अरे जानबूझ के टक्कर नहीं। तू क्या फिल्म की हीरोइन है जो तेरे ऊपर मल मिटाएंगे? पहले पैंट की जिप तो लगा, जय करके आ गया। चल इसकी शक्ल तो देख, मुँह में जो आता है बकर बकर करके बोल देते हो। शर्म नहीं आती है क्या? ज्यादा मत बोलो, खाली शक्ल खराब है इसकी। भाई मैं भी एक लाफा मारूं, तेरे को चलेगा क्या? अपना दोस्त मासूम था तो चिटका दिया। अगर मैं तुझे मारूं तो रिटर्न मारेगी। हाँ तो मारना। आप तो ताग है। बोल ढाबड़े। मेरा नाम शिवानंद है। मैं देवानंद। हाउ डू यू डू? हम दोनों की एक तस्वीर निकाल दो ना। मेरे पास कैमरा नहीं है। हाँ मेरे पास कैमरा है, ये देखो। याद रहे पीछे का ये झूला आना चाहिए। झूला नहीं, पूरा झूला लाऊंगा। ये चिपक के रहना, बत्ती सी फाड़, लड़की के गले में पड़ा। थैंक यू, बहुत बेहतरीन फोटो आई होगी। तेरा हुआ मेरा भी एक ले। अबे वो मेरी बीवी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या ये तेरे बोलने पे मैं खींचे ना, तू चुपचाप खींच। क्या मचमच है भाई? दूध के बदले दूध, खून के बदले खून, वैसे फोटो के बदले फोटो चाहिए। अरे साहब ये बीवी तो मेरी है और फोटो ये निकलवाना चाहता है। निकाल लूंगा तो कौन सी बात है? नीच इंसान, शर्म नहीं आती दूसरे की बीवी के साथ फोटो निकाल रहा है। चला। अरे फोटो में तू नहीं, खाली तेरी बीवी है। मैंने तो तुझे उल्लू बनाया, उसमें तो रील ही नहीं है। दूसरों के साथ फोटो खिंचवाने में बड़ा मजा आता है। घर चल, बताता हूँ तुझे। चल झूला टूटा भाई। जानू एक राइड मेरे साथ भी हो जाए। तमीज से बात कर। फिर भाग गई। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। कोई मदद करो। किनारे पे नाव भी नहीं है, कोई मदद करो। क्या हुआ बहन? मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। अरे बाप रे, नाव तो चली गई, अब तो कोई साधन भी नहीं है। मेरा बच्चा। ये कैसा अनर्थ हो गया? आप यूं ही देखते रहिए, ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने गलत क्या कह दिया? अगर हमारे गांव में पुल होता तो ये हादसा नहीं होता। पुल बन जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, वो भी बन जाएगा। मेरा भाई उसी काम में लगा हुआ है। आपको उस पर यकीन होगा पर गांव की हालत को देखते हुए हमें यकीन नहीं है। उस समय गांव वालों ने कितना समझाया था कि एक चोर के बेटे को पनाह मत दीजिए, मगर वो कहाँ माने। आखिर उस चोर के बेटे ने अपनी औकात दिखाई दी। तुझे क्या लगता है पुल ऐसे ही बन जाता है? करोड़ों रुपए लग जाते हैं और सरकार की अनुमति भी। अरे मेरे कान पक गए आपकी ये बातें सुनकर। अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए। क्या तमाशा देख रहे हो, चलो यहाँ से। पुल बनाए। क्यों चिल्ला रहा है? आज फिर पिताजी को पुल के लिए गांव वालों ने ताने मारे क्या? अरे आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो? हर वक्त कहते रहते हो कि वेंकट आने वाला है और फिर नदी किनारे इंतजार करने को कहते हो। कितनी बार कहूँ कि चाचा जी को भूल जाओ पापा। नहीं बेटा, वो दरअसल क्या लगता है वो आकर ब्रिज बनवाने वाला है? हा? पूरे गाँव में बात फैली है कि मेरे पापा पागल है। पापा, अरे अब इस गाँव में कोई मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। दरअसल मेरी गलती है। तुम सब देखना, पुल जरूर बनेगा। पुल नहीं बना तो गांव में कदम मत रखना। ऐसा मैंने ही कहा था, इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसी क्या बात हो गई पापा? 20 साल बीत गए हैं, उन्होंने आपको एक खत तक नहीं लिखा। वो चाहे कहीं भी चला जाए, कुछ भी करे, लेकिन मुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ेगा। सरपंच जी, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी बताइए। मैंने वेंकट रमन को देखा है। सच में? हैदराबाद में। मैं किसी जरूरी काम के लिए हैदराबाद गया था, तो वहाँ रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हुई। वहाँ उसने बड़ा नाम बना लिया है। हाँ, थोड़ी जल्दी में था वो, पर उसने अपना ये कार्ड मुझे दिया है। कहा फुर्सत में ऑफिस में आके मुझे मिलना। पापा, मैं हैदराबाद जाकर वेंकट चाचा को ले आऊँ? मेरे मन की बात कह दी तूने। अरे सुनो बेटा, वो अचार और सूखी मछली रख ली, उसे बहुत पसंद है, खिला देना। जी पापा। गांव वाले उसके बारे में क्या कहते हैं उसे मत बताना, वो नाराज हो जाएगा। उससे कहना है उसके गांव वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। ये उनसे कहूंगा, इंतजार ही तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पैसे रख लिए ना। अरे चाचा के पास जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो उनके जेब में से हाथ डाल कर निकाल लूंगा। लाओ लाओ। ए बबलू, पापा का ख्याल रखना, ओके? और कोई लफड़ा मत करना। अरे संभाल कर जाना बेटा। हाँ, पहुँचते ही फोन करना। फोन? जी पापा। तेरे फोन का इंतजार रहेगा मुझे। ओके ओके पापा, बाय। फोन करता हूँ। इस शहर को लूटने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है एसपी चतुर चार्ली, सारे लुटेरों का बादशाह। ये एसपी के वर्दी नहीं है। एसपी, डीएसपी, क्यूआरएस, टीयूवी लूटेगा। ए टू जेड अपन सबको लूटेगा। ये ट्रैफिक पुलिस की वर्दी है। अगर असलियत पता चली ना तो तुझे उल्टा लटका देंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, कॉस्ट्यूम का भाड़ा 50 रुपए पर घंटा है। कॉस्ट्यूम का भाड़ा 2 घंटे में लाकर 2 बार तेरे मुँह पे मारूंगा। यहाँ तो जिसे देखो टोपा पहनकर बाइक चला रहा है, तो टोपी किसे पहनाऊं? व्हाट टू डू? हाँ बेटा, आई सेड थांबा। साहब साहब, मेरे पास सब कुछ है, आरसी बुक है, लाइसेंस है, हेलमेट है। अबे सुन, पुलिस मैं हूँ तो सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। पूछिए। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। छिपकली के 2। और तुझ जैसे गिरगिट के 2। सरकार का नारा क्या है? 2। जोर से लगाओ। 2। हम 2 हमारे 2 सर। ये सबर 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 सबर। तेरे 2 चक्के में कितने चक्के हैं? 2। तो उस 2 चक्के में कितने लोग बैठते हैं? 2। तो फिर दूसरा कहाँ है? कमोन कमोन, मेरी आंखों में घुस कर बोलो। मेरे सवालों का जवाब देता है तो अब दे बेटा। चल उतार उतार। जेब में गोला बारूद तो नहीं है? नहीं साहब। तुझे क्या लगा कि मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूंगा? क्या मैं ये पुलिस के कपड़े पहनकर टहलने निकला हूँ? ट्रैफिक पुलिस, तुम्हारा चप्पा चप्पा छानूंगा। हाँ ले लीजिए। मेरा हो गया, अब तू निकल। कब से यही तो कह रहा था। अरे मेरा मूड खराब है, अच्छा मत कर वरना फाइन मार दूंगा। जाओ जाओ जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। चलो जाओ यहाँ से। चार्ले, चतुर चार्ले। ये ले तेरा भाड़ा। ज्यादा बकर बकर मत कर और ऐश कर। तूने तो मिनटों में जुगाड़ कर लिया। एक बात कहूँ तो उससे, इतना मैं दिन भर में नहीं कमाता हूँ। एक चक्कर और मार के आना। अरे सबर सबर सबर, मेरी बात कान खोल कर सुन। अपनी औकात से ज्यादा लालच कभी मत करना। चार्ली, चतुर चार्ली अपने मन का मालिक है, किसी के बोलने पर जेब नहीं काटता है। धूमता ना धना ना धना ना, बैकग्राउंड म्यूजिक अपू नहीं देता है। अरे बाप रे, उनकी बिल्डिंग कौन सी है? कौन से फ्लोर पे जाऊं? लगता है चाचा ने बहुत नोट छाप लिए। Just a minute. Yes. What can I do for you? Thank you. Mention not. किससे मिलना है आपको? चाचा से, मेरे अंकल हैं। अरे उनका कोई नाम नहीं है क्या? वेंकट साहब इस कंपनी के मालिक हैं। उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। किससे? मुझसे। तू कौन है बे? नंदू। जैसे राजा बाबू से मिलने के लिए नंदू की जरूरत पड़ती है ना, वैसे मेरे जीजा से मिलने के लिए इस नंदू की जरूरत पड़ती है। जीजा? हाँ, मेरी बहन को मंगलसूत्र बांधा है। अबे शक्ल से तो हिले डुले लगता है। जा चाचा को बता, कृष्णा नगर से बड़े भाई का बेटा चंदू आया है। यहीं खड़ा रहूंगा। अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है। मेरा नाम बता, सारे काम छोड़कर मुझसे मिलने आ जाएंगे। कमोड पे बैठे रहेंगे तो भी आ जाएंगे क्या? ज्यादा फुदक मत, जाके बुला। रुको, लिस्ट में चेक करता हूँ तुम्हारा नाम। जल्दी चेक कर। इंटरव्यू के लिए आया, उधारी लिए, चंदा चाहिए क्या? क्या बोला? सेल्समैन हो? नो। तो दोस्त के बेटे हो क्या? पहले सुना नहीं क्या? पैसा नहीं चाहिए ना, तो मुझसे क्यों मिलो, डायरेक्ट अंदर जाओ। अच्छा, तू तो दिमाग से एकदम पैदल लगता है बे। मेरे जीजा जी को मालूम है मैं पैदल हूँ, इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। आप सीधा जाके राइट लो, अंगड़ाई लेके लेफ्ट लो, फिर सीधा। यहाँ हॉल में मीटिंग चालू है, सीधा घुस जाने का। सुनो, कॉलर का बटन लगाओ, जानवर लग रहे हो। लगता है उल्टी पैदाइश है ये बात जीजा जी को नहीं पता थी, इसने पहचान ली। ये प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब है। NRIs के लिए हमारे देश के संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 2000 करोड़ और इसे हम मिलकर मुमकिन करेंगे। दोस्तों, जिस तरह हिंदुस्तान में ताजमहल मशहूर है, ठीक उसी तरह हमारा KVR कंस्ट्रक्शन सबकी जुबान पर होगा। तो जैसा मैं कह रहा था, वेंकट चाचा क्या बात है, सूट बूट चमक रहे हो, पूरा गेटअप बदल दिया चाचा जी। क्या कहा? अरे वेंकट चाचा, आपने पहचाना नहीं, मैं चंदू हूँ चाचा जी, कृष्णा नगर वाले बड़े भाई का बेटा। आपने बचपन में देखा था ना, इसलिए शायद आप भूल गए हो। दोस्तों, लंच के बाद मिलते हैं। आपकी याददाश्त तो कमाल की है चाचा जी। माँ ने ये सब आपके लिए भेजा है, माँ के हाथ की पूरी और अचार। और ये चाचा सूखी मछलियाँ आपको बहुत पसंद है ना। एक बात पूछूं चाचा जी, गांव में आप ब्रिज बनवाने वाले थे ना, तो शहर आकर वापस क्यों नहीं आए? गांव में सब फिक्र कर रहे हैं। अब आप आगे क्या करने वाले हैं यही जानने आया हूँ। मामला कहाँ तक पहुँचा? क्या गुलदस्ता है चाचा जी। कब से तुम्हें नहीं देखा? बचपन में देखा था। अच्छा, तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है या फिर उन गाँव वालों की तरह अब तक अनपढ़ ही हो? बीकॉम कर लिया चाचा जी। बीकॉम? अरे वाह, कोई नौकरी वगैरह? गाँव में कहाँ रोजगार है। सही कहा, गाँव में कहाँ ये सब मुमकिन है। गांव में सब कैसे हैं? गांव की हालत बहुत खराब है। ब्रिज बन जाए तो शायद तरक्की हो। अगर आप गांव वालों के लिए ब्रिज बना दे तो लोगों का भला हो जाए। हाँ, इस शहर के अंदर ब्रिज की बहुत सारी दुकानें हैं, जाते वक्त 2-4 ले जाना। आप मजाक कर रहे हैं चाचा जी। मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये हकीकत है। उस गाँव में ब्रिज नहीं बनेगा, हर केस नहीं। पर क्यों? मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन उस गाँव में ब्रिज कतई नहीं बनने दूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार डाला उन गांव वालों ने। उस गांव की तकदीर कभी बदल नहीं सकती, वो गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन चाचा जी पापा। तेरे पापा ने मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया, यही कहेगा ना तू। इसी वजह से उस IAS की डिग्री को फाड़ कर मैंने फेंक दिया और दिन रात मेहनत करने के बाद आज एक कामयाब बिजनेसमैन बना हूँ मैं। लेकिन फिर भी तेरे बाप ने मुझ पर जो खर्च किया है उसका कर्ज उतारने के लिए 1-1 पाई की कीमत चुकाएगा ये KVR। रुक, ये ले ले और जाके अपने बाप से कहना कि KVR ने उसके किए हुए एहसान की 1-1 पाई चुका दी है, और उससे ये भी कहना कि वेंकट उस गांव में पुल कभी नहीं बनने देगा। अगली बार मेरे ऑफिस में मुंह उठाकर मत चले आना। मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते चाचा? मैं तेरी तरह वक्त जाया नहीं करता, पैसों का ये बैग उठाता और चुपचाप गाँव चला जाता। पैसों से मत तोलो, पैसे से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने बुरे वक्त में आपकी मदद की, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। ये पैसे देकर मैं उनकी मदद ही कर रहा हूँ। मेरे पापा ने आप पर जान से ज्यादा भरोसा किया, उन्हें लगा कि आप ब्रिज बनाएंगे, लेकिन आप एहसान फरामोश निकले। इस कचरे को बाहर फेंको और रूम में फ्रेशनर मारो ताकि बदबू चली जाए, और ये सब बाहर फेंको। अपने यहाँ की मीठी पूड़ियाँ उसे बहुत पसंद है। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके बड़े भाई वहाँ 20 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। गलत कर रहे हैं आप, भरोसा तोड़ रहे हैं। फोन चल रहा है ना? हाँ जी। हेलो पापा, कहाँ था तू? कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। तू वेंकट से मिला ना? ठीक है ना, वो मेरे बारे में पूछा, अचार और मच्छी उसने खाई कि नहीं? चुप क्यों है? वेंकट उस गांव में पुल कभी नहीं बनने देगा। क्या बोला उसने? अरे बता ना, चुप क्यों है तू? काफी बदल गए हैं पापा। बदला होगा तेरे लिए, वो मेरा भाई है। पूरे 20 साल हो गए मुझसे किया वादा निभाने के लिए गांव छोड़ दिया उसने। जैसे रामायण में राम जी ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए पूरे 14 साल वनवास काटना पड़ा था, उसी तरह मेरे दोस्त के पास भी कोई रास्ता नहीं था और उसने मेरे द्वारा दिए वचन को निभाने के लिए उसने अपने 20 साल वहीं काट दिए। न जाने 20 साल उसने कैसे गुजारे होंगे और वहाँ उसे कोई जानता भी नहीं है। अनजाने शहर में कितनी तकलीफें झेली होंगी। पापा, मुझे आपको उनके बारे में कुछ बता। तू मुझे उसके बारे में क्या बताएगा बच्चे? तुझे देखते ही सीने से लगा लिया होगा उसने। गांव के बारे में पूछ पूछ कर तुम्हें परेशान कर दिया होगा। मेरे बारे में उसने बहुत कुछ पूछा होगा ना। तुझे अपने सामने देखते ही उसे मेरी याद आ गई होगी ना। सही कहा ना? बखूबी मैं उसे जानता हूँ। पिछले जन्म में मैंने जरूर पुण्य किए होंगे जो उस जैसा दोस्त मिला। हाँ, तो पुल का काम कहाँ तक पहुँचा उसने बताया तुझे? या चाचा भतीजे अपनी ही बात करते रह गए? सुन, तू उससे कह देना मुझे अब तक उस पर पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन गांव में पुल जरूर बनेगा और अगर मेरा सपना टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तू कह देना उससे। पापा, कुछ कहना है। हाँ बोल बेटा। आप चाचा के बारे में सही थे। उन्होंने कहा है पापा को बता देना कि हमारे गांव में बहुत जल्द ब्रिज बन जाएगा। क्या कहा? पुल बन जाएगा ऐसा उसने कहा? जी पापा, चाचा इसी काम में लगे हैं। उन्होंने कहा है सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो आपसे बात करेंगे। अगले साल तक हमारे गाँव में ब्रिज बन जाएगा और मुझसे कहा कि मैं उनके पास रहूं। इतनी खुशी की बात तू अब बता रहा है पगले? हाँ, बोलने कहाँ देते हैं पापा। ठीक है, उससे एक बात और बोल देना। जो शख्स आपकी दोस्ती को पैसों में तोलता है उसकी हकीकत क्या बताऊं पापा। दुनिया का उसूल ही ये है कि अक्सर हम जिन लोगों को सहारा देते हैं वही हमें बेसहारा छोड़ देते। मैं आपसे वादा करता हूं पापा, वेंकट चाचा को अपने साथ लेकर आऊंगा। मैनेजर को और कोई काम ही नहीं है, दिन भर कांच घिसवाता रहता है। एसिड से उसका चेहरा ही साफ कर देता हूँ। अरे मेरी तारीफ कर रहा था? नहीं सर, एकदम चमक गए। चक्कर चक्कर आवाज आ रही है। तेरी एक भूल से कितनी धूल है सर। गुमनाम होटल में आप किसे तलाश रहे? मैं वेटर से बात नहीं करता, मैनेजर को बोला। ओह, मैं ही हूँ मैनेजर, 1984 डेज से। और वेटर कहाँ है? फैसला कीजिए, आपको क्या चाहिए? रूम चाहिए। सिंगल बेड या डबल बेड? कल का नशा उतरा नहीं क्या? ओह माफ करना। सिंगल रूम 14,999 प्लस GST। अबे एक दिन का बता। ये एक ही दिन का भाड़ा है साहब, 24 घंटों के लिए 14,999 प्लस GST, नाश्ता फ्री। हाँ रेट तो ठीक है। अच्छा बता, नहाने वाला बाथरूम कहाँ है? वो है, रूम लोगे तो वहाँ भी मौजूद है। नेक काम की शुरुआत बाथरूम चेक करके करनी चाहिए। जाइए। सफाई वाले, वो बाथरूम देखने गया है या वहाँ बैठ के अपनी बायोपिक की वेब सीरीज बना रहा है? जब वापस आए ना तो तू उसकी बैग चेक करना। नाम लिया और आ गया सर। जा सफाई कर। ये मैनेजर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैनेजर फरमाइए। बाथरूम बहुत ही चकाचक है। रूम भी चकाचक है। उसकी जरूरत नहीं है, फ्रेश हो गया हूँ। ये तो लपेट गया। हेलो 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 कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, सब ठीक है? बाप रे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे वाह, अंडा बुर्जी वाला लग रहा है। अंडे का मेनू बता। सिर्फ ऑमलेट है, वो भी एक प्लेट बचा है, दे दे। अरे बेटा, मुझसे ज्यादा भूख लगी है, खा ले खा ले। आजा आजा आजा, एक अंडे से मेरा कुछ नहीं होगा, तेरा पेट भर सकता है, तू खा ले। रुक, तुझे पानी भी देता हूँ, ये ले मिनरल वाटर। पेट भर गया। हेलो, पिज्जा हाउस? अरे, ये तो देवी माँ है। तुम्हें भी पूछने वाला यहाँ कोई भी नहीं है ना माँ? अगर तुम गांव में होती तो कहीं से भी प्रसाद आ जाता और दोनों का पेट भर जाता। सर। यस, तेरे को भी कुछ चाहिए? नहीं सर, ये पार्सल आपके लिए। पार्सल? एक मैडम का फोन आया था कि बेंच पर बैठे हुए शख्स को दे आओ। अरे पार्क में तो कोई नहीं है और मैं ही बेंच पे बैठा हूँ। इडली की रोटी। अरे, कौन सी मैडम ने भेजा पूछना भूल गया। माँ, अब मैं समझा, ये तुम्हारा ही चमत्कार हो सकता है। तुम अपने भक्तों को नहीं खिलाओगी तो कौन खिलाएगा? माँ, खाने के लिए थैंक यू, लेकिन ये सब मुझे हजम नहीं होता। अगली बार ऊंधियू, ढोकला, थेपला, पराठा ऐसा कुछ भेजना। सुबह नाश्ते में पोहा उपमा चल जाएगा। जाने अनजाने में मुंह से कुछ निकल गया हो तो माफ करना। वैसे मेन्यू फिक्स नहीं है, जो भेजोगी चुपचाप खा लूंगा। गुड नाइट। हेलो। हाय लता, श्वेता बोल रही हूँ। अरे, इतनी रात को कौन फोन करता है? मुझे एक अजीब सा कैरेक्टर दिखा है। क्या? कौन सा कैरेक्टर? बताना। सच कहूँ तो बड़ा ही अटपटा कैरेक्टर है। क्या श्वेता, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो क्या हुआ? राह चलते हर ऐरे गैरे को ऑब्जर्व करते रहे तो एक दिन खुद ही साइको हो जाएंगे। देखो लता, अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, चादर ओढ़ो और सो जाओ। अरे, ये तो अपना ही आदमी है, भौंकना नहीं। चल जा, मेरे लिए खाना लेकर आया होगा, मैडम ने भेजा है ना? हाँ सर। हाँ, पता है तेरी ड्यूटी लगा दी है ना मैडम ने। हाँ। रात को आना, यही मिलूंगा। सुनो, मेरा खाना मत खाना, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ, फिर साथ में खाते हैं, ओके? अरे अरे यार, मैं मैडम का नाम पूछना भूल गया। पेट से आवाज निकलती है तो दिमाग को सुनाई नहीं देता, कान के नीचे खींचूंगा तो दिमाग को सारी बातें सुनाई देगी। खैर, पहले ब्रश करके नहा लेता हूँ, दोबारा खाना भेजेगी तो नाम भी पूछ लूंगा। सिगरेट दे, सस्ती वाली। छोटे, जल्दी एक पान लगा। कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। सर, आपके शर्ट पर किसी ने पान थूक दिया। जरा एक मिनट। ओहो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अब यहाँ वॉशरूम उस तरफ। शुक्रिया। AP09TR102। मजबूत जुगाड़ हो गया भाई, जबरदस्त लगा। क्या रे, क्या चाहिए? बाथरूम जाना है। अरे चल चल बाहर निकल, बहुत अर्जेंट है भाई। अभी मार खाएगा। अच्छा ठीक है, बाहर बाहर कोपचा ढूंढता हूं। चल। बाथरूम में लोग हल्का होने आते हैं, किसी का माल हल्का करने नहीं। भाई काय को तुमने उसका पैसा चुराया? अब जल्दी जल्दी उसका भारी बैग हल्का कर दो, वरना तुम सबको फ्लश कर दूंगा। अबे लाल रुमाल देख क्या रहा है, बैग ला। पहला उड़ी बाबा, अब क्या करेगा? चुपचाप दे देता तो ये धुलाई ना होती। नहीं माना ना? कितना नुकसान करवा दिया तूने। हाँ भाई, काय को लफड़ा किया? मैनेजर को भेजता हूँ, संगे मरमर का बाथरूम बनवा देना। पहले बैग डाल, बैग डाल, जल्दी कर जल्दी कर। अरे टिका ना, टिका दिया मेरे भाई। अगर ये ऑटो रुक जाती तो तुम्हें ही धक्का मारना पड़ता। अच्छा सर, ये ऑटो में ब्रेक कहाँ होता है? अबे चमन चिंदी पैर के पास होता है। लेकिन मारू कैसे? क्या बोला? आपको कौन से देश जाना है? पहले बेंस के शोरूम में चल, बात की बात बाद में। काफी मालदार हो। रुका, शोरूम आ गया। अबे ब्रेक मार। हाँ हाँ मार रहा हूँ, मार रहा हूँ। गाड़ी बंद मत करना, अभी आ रहा हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपन अपनी मर्जी से रुकता है, किसी की अर्जी से ना आए। अबे हाइट कम फाइट ज्यादा, इसी तरह स्टाइल मारते रहे, मैं आता हूँ। कितना भगाता है सेम कार। देखो मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं फिलहाल बहुत बिजी हूँ। ओके सर, अभी बिजी हैं। सर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मिल लीजिए। सेक्रेटरी को फोन दीजिए जरा। अंदर भेजो उसे। तुम जानते हो इसमें क्या है? पैसा है। जानते हो इसमें कितने पैसे हैं? हाँ, वैसे मैंने बैग खोलकर देखा था, पैसों के लिए नहीं, एड्रेस के लिए खोला था, लेकिन नहीं मिला। तो फिर कैसे पता लगा? बेंस में जाते देखा था, तो शोरूम से एड्रेस निकाला मैंने। इंटेलिजेंट हो तुम यार। पहचान लिया ना? बैठो ना। थैंक यू सर। वैसे तुम करते क्या हो? फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, किसी नौकरी की तलाश में हूँ सर। ड्राइवर की नौकरी कर लोगे? बिल्कुल करूंगा सर। लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। दूसरी फरमाइश करो। जेब खाली है सर। अरे नहीं 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 भाई, माफ करो, पैसे वैसे मैं नहीं देने वाला। कुछ और चाहिए हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। चलता हूँ सर। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा पैसों से भरा हुआ बैग लाकर तुमने वापस दे दिया, उसके बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ईमानदारी से इसी तरह मुझे ये बैग लाकर दे देता, बस और क्या। आपसे यही उम्मीद थी। सुनो, कभी भी मेरी मदद चाहिए हो तो मेरा दरवाजा खटखटा देना। 1 रुपया दिया नहीं, नौकरी दी नहीं, और कहते दरवाजा खटखटाना। भीख मांगेगा क्या? वैसे दिमाग वाला है वो, पर आप जितना नहीं। नहीं तो अपने आप को देखो, बस टाइम पास कर रहे हो यहाँ। लॉकर में रखो इसे। कितना घमंड है इसे अपने पैसों पर, नौकरी तक नहीं दी। यहाँ पर ऑटो था, कहाँ गया? हाँ अभी अभी तो निकला यहाँ से। किराया तो लिया ही नहीं। कोई सामान रह गया क्या उसमें तुम्हारा? बैग था भाई, अब अपने सामान को भूल जाओ। बाप रे बाप, लुटेरों का शहर है ये। कलयुग में कैसे लोग पैदा किए तूने, इंसानियत ही नहीं है। अरे उन चोरों ने तो पूरा प्लान बना लिया था, पूरा माल लेकर खिसक लेने का। अपनी जान दांव पर लगाकर उनका बैग उन तक मैंने पहुंचाया। 5000 की नौकरी दे सकते थे, वो भी नहीं दी। अरे एक कप चाय तो पिला सकते थे, वो भी नहीं पिलाई। कैसा रईस है वो। और वो रिक्शा वाला मेरा बैग लेकर चला गया, जिसमें मेरे कपड़े थे, पैसे थे। कंगाल कर दिया, कुछ नहीं बचा हाथ में। 1-2 ऐसे मिले तो जो पहना है ना वो भी उतर जाएगा। लगता है जाना पड़ेगा। पिताजी पूछेंगे तो बहाना बना दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगा। कैसा शहर है माँ ये। आज रात बाकड़े पे गुजारनी पड़ेगी, कल सुबह निकल जाऊंगा। आज की बातचीत अपनी आखिरी बातचीत है, फिर शक्ल नहीं देख पाओगी। यार आज तो भूखे पेट सोना पड़ रहा है, पानी तक नहीं है नसीब में। हाय बेंच बॉय। कौन? चलो अपना नाम बताओ। चंदू। मुझे पता चला है कि तुम वापस जा रहे हो। जाना पड़ेगा। चले जाओ, पर एक किस्सा सुन लो। एक मैदान में एक रेस हो रही थी, जिसमें 6 लोगों ने हिस्सा लिया। जो देखने आए थे उनमें से एक आदमी ने दूसरे से पूछा कौन जीतेगा, तो उसने कहा जो सबसे पहले आएगा वो जीतेगा। तो फिर सामने वाले ने कहा फिर बाकी 5 को दौड़ने की क्या जरूरत है। मैडम आखिर आप समझाना क्या चाह रही है? ये जिंदगी भी तो एक रेस ही है। हारने वाला भी उतना ही दौड़ता है जितना की जीतने वाला। हार के डर से रेस को छोड़ा तो नहीं जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तुम्हें भी रेस में दौड़ना होगा, एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक कहा मैडम, मैं भी जिंदगी से नहीं हारूंगा, ना खाली हाथ वापस घर जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या रे बुड्ढे, दोबारा आ गया तू? बेटा पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इस जगह को तुम ही ले लो, पर मैंने जितने में खरीदी थी उतने ही दिला दो। हाँ भाई, जरा सी भी तमीज नहीं है। बड़े से ऐसे बात करते हैं क्या? हाथ हटा। देखो चाचा, माना ये साइड तुम्हारी थी, पर अब इस पे भाई की नजर पड़ गई है, और भाई को जो चाहिए वो लेके रहते हैं। लेकिन बाबू बेटी की शादी करनी है मुझे। बस इतनी सी बात, आपकी बेटी की शादी मेरे छोटू से कर दीजिए, दहेज भी नहीं लूंगा। करेगा ना शादी? हाँ भाई करेगा। प्यार की जबान समझ नहीं आ रही, जितना बोल रहे हो उतना कर। जिंदगी प्यारी है तो इस साइड को भूल जा। ये गलत है। और अगर नहीं भूल सकता तो तेरी समाधि यहीं बना दूंगा। चाय देना। हाँ देता हूँ भाई। चाचा चाय पियेंगे? चाचा चाय पियेंगे? क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है? मुन्ना एक चाय दे। ठीक है भाई। बताइए चाचा। बेटा मैंने 5 लाख में जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत 25 लाख हो गई है, लेकिन उस पर कुछ गुंडों ने कब्जा जमा लिया है और वो वहाँ से जा नहीं रहे बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी की शादी करनी है, कोई मदद नहीं कर रहा। फिक्र मत कीजिए, आपकी वो जमीन मैं खरीदूंगा। आप शांति से चाय पीजिए। फिलहाल आपको देने के लिए मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ वो जमीन मैं खरीदूंगा। जेब में फूटी कोड़ी नहीं और ख्वाब आसमान खरीदने के। ऊपर वाले ने दिल दिया है लोगों की तकलीफ समझने के लिए और हिम्मत दी है लोगों की मदद करने के लिए। मैं आपकी मदद करूंगा। चाचा जी, कल सुबह ठीक 10 बजे आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ जाना, आपके पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ तुम मेरी मदद मांगने आए हो? हाँ बोलो। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। कितना कहा था? 5 लाख। आप वजह नहीं पूछेंगे? अरे भले इसे फाड़ के फेंक दो, अब मुझे क्या करना है। तुम यहाँ मदद के लिए आए और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। वापस कर पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैंने पूछा तुमसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे अब छोड़ो भी ये सब, जाओ और अपना काम निपटाओ। थैंक यू सर। क्या हो गया? ख्यालों में डूबे हुए हो? क्या हो गया तुम्हें? आपने तो चौंका दिया सर। उस दिन आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और आज बिना कुछ सोचे एक ही पल में 5 लाख रुपए। अरे वो मामूली शख्स नहीं है। 25 लाख लौटाकर उसने अपनी ईमानदारी दिखा दी है। मेरी गाड़ी के बल पर मुझ तक पहुंच गया, यानी काफी दिमाग वाला भी है। उस दिन मैंने उसे 500 भी नहीं दिए, फिर भी आ गया वो और आज 5 लाख रुपए मांग रहा है। इससे कॉन्फिडेंस का पता चलता है, सिर्फ जौहरी को ही हीरे की कदर होती है। सुनो, इसने जो सोच लिया वो हासिल करके रहता है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं पा रहा। तुम बहुत तरक्की करोगे बेटा। अरे इसीलिए तो मैं शहर में आया हूँ। एक और बात कहूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कहो। मुझे लगा था इस जमीन के लिए मैं कुछ भी करूँ मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर तुम पहले बता देते तो तुम्हारी शराफत को देखकर मैं 1 लाख रुपए कम कर देता बेटा। चाचा हाँ? एक राज की बात बताऊं? ₹1 लाख ज्यादा मांगा होता तो दे देता। क्या कहा? पर क्यों? उस जमीन में तुम्हें ऐसा क्या दिखा? आने वाला फ्यूचर। चलता हूँ। क्या बोलूँ यार श्वेता, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? अफेयर के बारे में घर में पता चल गया? वो सब तो एक दिन पता चलना ही है। असल में आजकल मेरी रातों की नींद तेरी वजह से उड़ी है। मैंने क्या किया? तू जिसकी बातें करती रहती है वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आखिर है कौन? ए श्वेता चल ना, बता ना क्यों भाव खा रही है। चल अब बता देना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस उसे देखती रहती हूँ। हैंडसम है, स्मार्ट भी है, दिल बच्चों जैसा है, लेकिन हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। अच्छे लड़के आजकल मिलते नहीं है श्वेता, हाथ से जाने मत दे। टेस्टी है ना? मस्त है। टेस्टी लगेगा ना? फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है। बुरा मान गई? यहाँ क्यों बैठी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? भूखी हूँ, 2 दिन हो गए। और ये खा रही थी तो। ओ अच्छा, भूख लगी है तो खाओ ना। तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं है। घर वाले कहाँ हैं? गाँव में। रामपुर के बगल में सहारपुर है ना? हाँ हाँ सहारपुर है। सही पकड़े हैं। गब्बर जैसा मामा और सांबा जैसी शक्ल वाली मामी है वहाँ पर। और तुम पुरानी फिल्मों की सताई हुई अबला नारी? नहीं जी, मिस्टर इंडिया की हवाई जैसी हूँ मैं। हाँ? और गहराई में बताओ। सच कहूँ तो सिनेमा ही ना मेरी माँ है। मेरी माँ कहती है मैं पैदा ही फिल्म थिएटर में हुई थी। पता है गांव के सब लोग ना मुझे प्यार से श्रेया सरन कहते हैं। कसम से मैं तो फिल्मों की बड़ी सी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन वो है ना मेरी खड़ूस मामी, वो 200 साल के बूढ़े के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी। मैं तो कांप गई थी जी। हमारे मोहल्ले में ना गुप्ता भंगार वाला है, उसके मालिक ने बताया कि शाहरुख खान के ड्राइवर को जानता है, इसीलिए अपनी सारी गहने लेकर उसके साथ गाड़ी में फरार हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे सारे गहने लेकर वही फरार हो गया। ये कहानी कहीं देखी हुई लगती है। जरूर खबरदार हिंदुस्तान में पढ़ा होगा। खबरदार करने वाली खबरें वही तो छापते हैं। ये तो ठीक है, आगे क्या करोगी? वो सब सेट है। यहाँ ना मेरी एक सहेली रहती है, मैं उसी के वहाँ सेट हो जाऊंगी और जब तक मैं एक बड़ी हीरोइन नहीं बन जाती दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब तक चाहे तो जूनियर आर्टिस्ट बन जाऊंगी या कोई नौकरी कर लूंगी। नौकरी मिल जाएगी? अरे 5वीं पास से तेज हूँ मैं। पूरी ABCD बिना देखे बोल सकती हूँ। क्या सच कह रही हो? महालक्ष्मी की जुबान है सच की खदान। हाँ? वो कौन है? मैं ही तो हूँ। सुनो, मेरे पास एक वैकेंसी है, करोगी? चलिए बॉस शुरू करते हैं। अरे रुक, अभी ऑफिस की कुंडी नहीं खुली, धंधा नया है। पगार कब दोगे? एक हफ्ता रुक जा। As you say, बॉस। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ, जरा संभल कर जाना। बाय बाय बाय। ये लड़की तो स्लिम ट्रिम है लेकिन बातें वजनदार करती है। अरे बस 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 बस, तुम लोगों की बकबक से मेरे कान पक गए हैं। किसका है सच बताओ। ये झूठ बोल रहा है। मेरा है, मेरा है। ये झूठा, मैं सच्चा हूँ। शक्ल से झूठा। आप सच में मेरा है? हाँ ये इसका ही है। हाँ इसका है। देखो सच बोल गया, मेरा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा है साहब, यही मेरा एक सहारा है। इंसाफ कीजिए साहब, मेरे पेट में लात मत मारो, इसके सिवा मेरा कोई नहीं। सर सच सिर्फ बैल को पता लेकिन बोल नहीं सकता। मैं डमरू बजाकर मैं ही नाचूंगा सर, लेकिन इस डमरू वाले को बोलना मेरे बैल को ना नचा सर। एक लड़के के लिए दो लड़कियों को तो लड़ते देखा है। एक कहती है ये मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है। बस की सीट के लिए लड़ते हुए देखा है, ये मेरी है ये मेरी है। लेकिन यहाँ तो एक बैल के लिए दो गधे आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? साहब एक बात बताऊं? जल्दी बता दे। क्या आपको अकबर बीरबल की कहानी पता है? बचपन में सुनी तो बीरबल की तरह दिमाग इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। कांस्टेबल जल्दी से जाकर एक लंबी सी तलवार लेकर आओ। वो किस लिए सर? इस बैल के दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों में बांट दूंगा। एक तेरा है किसका, बस हो गया फैसला। नहीं साहब, इसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, इसी के जरिए गुजारा होता है मेरा। इसके टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख सकता साहब, आप इसी को दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ साहब। नहीं सर, इसे कुछ मत कीजिए। इसके दादा को मेरे दादा ने पैसों की खातिर बेचा, इसके बाप को मेरे बाप ने लालच में आकर बेचा। मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। ये बंधन तो आखिर बंधन है सर। सर इसे इस फकीर को ही दे दीजिए। वैसे ये कभी मेरी याद में रोने वाला तो नहीं है, लेकिन आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। उस बीरबल वाली कहानी में तो ऐसा नहीं था, इस कहानी में तो ट्विस्ट आ गया है, एकदम बड़ा ट्विस्ट। एक्सक्यूज मी सर, गया काम से। सॉरी सर, मुझे लगा पुलिस स्टेशन है। क्या रे, मैं तुझे पुलिस वाला नहीं दिख रहा हूँ क्या? वैसे देखा जाए तो ये पुलिस स्टेशन कम और जानवरों का अखाड़ा ज्यादा लगता है सर। अरे एक मसला यहाँ फंसा हुआ है, तू यहाँ बैठ, मैं पहले इसे निपटा लेता हूँ, फिर तेरा मामला देखूंगा। ए, तू मुँह क्यों छुपा रहा है? मुझे ये बैल नहीं चाहिए, उसे दे दो दे दो। सलाम भाई, क्या भाई कैसे हो? उसे बैग छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। रुक रुक, अबे तू ही उस दिन मेरा बैग छोड़कर गए थे। अबे मैं कहाँ छोड़ के गया? मेरा सामान कहाँ है? वो तो गरीबों में बांट दिया। बांट दिया? अरे नहीं, रुक जा लिचड़। अबे पुराने कपड़े चोरी करके तूने बांट दिए, कैसा चोर है अबे तू? अबे चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, तेरे है कि नहीं? तू मेले से 200 रुपए का जैकेट खरीदा था, वो गरीबों में बांटा, वो बांटा तूने। इंसान मेरा है वो। अरे छोड़ो मुझे, मुझे माफ कर दो। अरे पुलिस के सामने कोई चोर को मारता है क्या? गलती हो गई, माफ कर दो। अरे सर मैं माफी मांगता हूँ, बचा लो मुझे, बताइए मुझे मार देगा, मुझे जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, कुछ भी कर लो लेकिन बचा लो। अरे तुमने बहुत अच्छी तरह से इस मसले को हल कर दिया। अब बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है? मैंने जमीन खरीदी है, उस पर गुंडों का कब्जा है। तो अब उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? आप पुलिस हैं, आप मेरी। हाँ जी पुलिस वाला हूँ, इसीलिए ये सलाह दे रहा हूँ। तुम जिसकी शिकायत कर रहे हो, मैं जाकर उसे गिरफ्तार करूंगा, फिर वो अंतरी मंत्री संतरी से फोन करवाएगा और उनकी सिफारिश पे मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। अरेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ सर। तो फिर आप मेरे साथ कुछ कांस्टेबल भेजिए और जमीन के कागजात दिखाने को कहिए। इससे क्या होगा? मसला हल हो जाएगा सर। भाई पुलिस, खड़ा क्या हो रहा है? बैठा रहे। ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या गाई तुंडे साहब, आज इधर कैसे आ गए? हफ्ता पहुँचा नहीं क्या? ये जमीन किसकी है? और किसकी? यादव भाई की। कागजात कहाँ है? ए, जगह हासिल करने के लिए कागज की जरूरत नहीं है, भाई का नाम ही काफी है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। किस लिए? कागजात हैं तो बात करो, वरना हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, समझे? ले चलो इन्हें। इन्हें पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हो साहब? तू कौन है? चंद सबका बंधु है ये चंद। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये जमीन मेरी है, इसके कागजात है मेरे पास, ये देखिए गौर से पढ़िए। इस पर चंद्रशेखर नाम है और साथ में एड्रेस भी लिखा है टू गोची, मतलब तुर्क गोदावरी जिला। ये सब लगते क्या है तेरे? सब रिश्तेदार है मेरे। ये मेरा जीजा है, हाँ? ये उसका जीजा है, ये मेरे भाई का साला है। क्यों बे साले, फिक्र मत करो, जाकर खेलो। अच्छा तो ये तेरे रिश्तेदार है? 100%। आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए साहब, जाइए यहाँ से, अपना काम कीजिए, जाइए। बच गए, वरना आप सबको चक्की पीसनी पड़ती। सोन उचड़े, जाकर खेलना, कोई भी आएगा तो मैं हूं ना, मैं सामने बाकड़े पर बैठा हूँ, जाओ जाओ खेलो। साहब जी साहब, क्या रे जमीन तेरी है? जी साहब, उस बूढ़े को 10-20 हजार नहीं दिए, पूरे 5 लाख दिए मैंने। खरीदने के बाद पता चला जमीन आपके कब्जे में। मुझे पहले पता होता तो 5 लाख बर्बाद नहीं करता। मुझे लगा था कि मेरे सोए भाग जाग जाएंगे, इसलिए मैंने ये जमीन खरीदी। ये पेपर आप रख लीजिए, आप मालिक। जाना बन रहा है क्या? भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, इस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए है। इसे बेचकर वैसे आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा कहा माना तो समझिए पूरे 50 लाख आपके। क्या कहा? 50 लाख? हाँ। इस जमीन पर हम आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सर। 4 माले की बिल्डिंग होगी और हर माले पर 10-10 शॉप्स होंगे सर, जिससे हमारा मुनाफा 2 करोड़ का होगा और हमारा खर्चा सिर्फ 1 करोड़ का। व्हाइट में आपको 1 करोड़ कमाने का मौका है। 50 आपका 50 मेरा। पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। क्या बोलता है ये? कहीं हमको फंसा तो नहीं रहा है? कैसे फंसाएगा भाई, जगह तो यहीं की यहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स बना तो बना, वरना इसका 1-1 अंक बेच देंगे। सही बोला छोटे, बिल्डिंग बनाने के लिए रोकड़ा लगता है, कहाँ से लाएगा? उसका जुगाड़ हो जाएगा। जमीन के कागजात पे लोन मिलेगा, शॉप खरीदने वाले एडवांस देंगे, समझिए कॉम्प्लेक्स तैयार। बना डाल। अरे भाई वेलकम भाई, आइए आइए। क्या बात है, तूने तो मजा डाला। आपके नाम पर रखा है येड़ा ना कॉम्प्लेक्स। एक नंबर का डेढ़ छाना है, भाई का नाम रख के भाई को लपेट लिया। तो वेलकम। सारे शॉप्स बिक गए साहब, बस ये नहीं बेचा। छोटे सब बेचा तो इसको काहे को रुका के रखा? आपके लिए भाई। मेरे लिए? मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? गिफ्ट दे रहा है? अबे पागल, गिफ्ट नहीं, भाई को लॉलीपॉप दे रहा है। गिफ्ट तो ठीक है, पर हिसाब की बात कर लें। 1 मिनट, ये लो भाई। पूरे 50 लाख है ना? नहीं भाई, ये खेल रहा अपने साथ। पहले 50 लाख की बात किया, पलटी मार। भाई के साथ गेम खेल रहा है। चुप रहे, चिल्ला मत। भाई 60 लाख रुपए, जितना सोचा था उससे ज्यादा बिजनेस हुआ, 10 लाख ज्यादा है। अबे गेंडे, तुम बिन मतलब का बचता है रे। चंदू भाई, जवान का पक्का है तू, अपनी दोस्ती खरीद ली तूने। अबे ये क्या कर रहा है? मेरा हिस्सा भाई। बताए चंदू, इस पूरे शहर में 42 और साइट है अपने पास। अब तू उन साइट पर शॉपिंग सेंटर बना या मॉल बना, ये सब तेरे ऊपर है। आज से तू ही उसका मालिक है, अपने को बस रोकने से मतलब है। एक शर्त है भाई। देखा लपेट लिया। बोलना मेरी जान, जमीन पर इलीगल कब्जा है। अरे तो कब्जे में कितनी मेहनत लगती है। बीच में मत बोला कर, तू इसे छोड़, चल तू बोल बोल बोल। जमीन के मालिक को पैसे दे देते हैं, जमीन अपने नाम कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो भाई, किसी की हाई नहीं चाहिए। ठीक है चंदू। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। शांत हो जाइए, आप जाकर अंदर बैठिए, जाइए जाइए, जल्दी अंदर बैठिए। अरे शांत हो जाइए, अरे चिल्लाने से कुछ हल नहीं होगा। सर आप ठीक तो हैं? हाँ। अरे चंदू आओ आओ बैठो। ये सब क्या हो रहा है सर? क्या बताऊं, वही बिजनेस इश्यूज। खैर छोड़ो, चंदू कंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़िया, काफी तरक्की कर लिया, क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू चंदू। आपका कर्ज चुका पाऊं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं। सर ये आपके लिए है। ये तो ब्लैंक चेक है। बहुत सालों पहले जब मैं सिर्फ 150 रुपए लेकर इस शहर में आया था, लेकिन इरादे मजबूत थे और इस शहर पर राज करना था। लेकिन वही शिद्दत मैंने तुम्हारी आंखों में देखी, लेकिन सपना मेरा साकार हुआ। बस मुझे और क्या चाहिए? सर सब बहुत गुस्से में हैं। सर आप मुझे बताएंगे इन लोगों की असली प्रॉब्लम क्या है? इस शहर में केवीआर नाम का बिल्डर है, बहुत बड़ा आदमी है वो। उसे अपने फायदे से ज्यादा दूसरे का नुकसान करके मजा आता है। मैंने अभी अभी माधवपुर में एक 250 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मेरा सपना है, मेरी सारी जमा पूंजी इसके पीछे लगा दी मैंने, कर्ज भी लिया मैंने, लेकिन बीच में आ गया ये केवीआर का बच्चा और मेरे कॉम्प्लेक्स के सामने ही इल्लीगल परमिशन लेके बहुत सस्ते में टावर बना दिए इसने। ये मुद्दा है चंदू। सब ठीक ठाक चल रहा था, लोगों ने फ्लैट बुक भी करवा दिए थे, लेकिन अब मसला ये है चंदू, सारे लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। मैं ये कैसे करूंगा? इससे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा चंदू। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं चुपचाप ये शहर छोड़कर चला जाऊं, या फिर ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊं। सर परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना करने से हल हो सकती है। मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा, आप हौसला रखिए सर। क्या करूं क्या करूं। हेलो, मैं आपका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ सर। क्या कहा? मिनिस्टर साहब से बात कराओ। सर केवीआर साहब का फोन है। हाँ। कहिए केवीआर जी। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर देवी की मूर्ति निकली है ये कहकर लोग यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं। इट्स क्रेजी। मेरी बात गौर से सुनिए, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट रुका तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ आप जानते हैं। ये सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये तमाशा फौरन बंद करवाइए और इसके लिए आप क्या करेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। आप सुन रहे हैं ना? यही मैं भी कहना चाहता था। देवी माँ ने दर्शन दिया है और मैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसा हुआ तो मेरी सरकार गिर जाएगी। माफ कीजिएगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ सुनिए, मैं खुद देवी माँ के दर्शन के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। मेरी बिल्डिंग के सामने माँ देवी प्रकट हुई है, ये तो मेरा सौभाग्य है। बस इसीलिए वहाँ मंदिर बनाने के लिए मेरी तरफ से ये सहयोग। हेलो देखा चंदू, दूसरों को दुखी करने वाला केवीआर आज फूट फूट के रो रहा है। शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपने जो मेरी मदद की उसके सामने ये कुछ भी नहीं। अच्छा भाई ठीक है, आज की मैच का विनर कौन होगा बताओ? अगर हम लोग ठीक से खेलेंगे तो विनर हम लोग ही होंगे। Hey! तेरी तो ये सब तो हमारे पीछे पड़े हैं। घबराइए मत सर, मैं हूं ना। केवीआर ने ही इन लोगों को भेजा होगा। सीट बेल्ट बांधिए और मैच की कमेंट्री का मजा लीजिए। फोन कीजिए सर। पुलिस का नंबर 100 है ना? पुलिस नहीं, 102। वो किसका है? एम्बुलेंस। ओह अभी तक आप बस कमेंट्री सुन रहे थे, अब लाइव देखिए। डिलीवरी हेडिंग अप। शुरू करें 2020। ओह, केवीआर, मैन ऑफ द मैच तुझे घरा कर देता हूँ। पहचाना क्या मुझे? 6 महीने पहले मैं तेरी ऑफिस में आया था, तूने मेरे मुंह पे पैसे फेंक कर मेरी बेइज्जती करके मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। चांदो, दुर्गा प्रसाद जी को मारने के लिए तूने अपने पाले हुए गुंडे भेजे थे ना, लेकिन तेरी जमीन पर माँ दुर्गा की मूर्ति रखने का प्लान मेरा ही था, ताकि तुझे 50 करोड़ का नुकसान पहुंच सके। तेरा पाला किससे पड़ा है ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये तुम गलत कर रहे हो। मैं क्या चीज हूँ ये तुम जानते नहीं। मुझसे दुश्मनी करके तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में कि तुम गांव लौट जाओ। तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ। अब भी वक्त है, संभल जाओ। अब इस चंदू के कदम आगे बढ़ चुके मेरे सामने तुम अभी बच्चे हो। वो बच्चा सुनामी बन चुका है। अब आवाज ऊंची की तो यहीं चीर दूंगा। तेरी आवाज से डर जाऊं इतना कमजोर नहीं हूँ मैं। चंदू हूँ, मौत भी जिसको देखकर रुख बदल लेती है। मेरे बाप ने तुझ पर एहसान किया, तुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया, लेकिन तूने उनके साथ अच्छा नहीं किया। फिर भी वो तुझे भगवान समझते हैं। मैं इसी शहर में रहूंगा और तेरा घमंड तोड़ूंगा और वापस तुझे गांव लेकर जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं। मुमकिन है। ये नहीं होगा। चंदू का चैलेंज है। अब आएगा ना मजा। तेरा वो हशर करूंगा कि तुझे तेरे पैदा होने पे अफसोस होगा। और अब शुरू होता है ये खेल। खेल का आगाज तूने किया था, लेकिन अंजाम मैं दूंगा। उल्टी गिनती शुरू कर ले वेंकट चाचा। जमीन से निकली देवी माँ की मूर्ति के दर्शन के लिए सारे भक्त पूरे देश से आ रहे हैं। भीड़ काबू से बाहर है। सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ देवी माँ का मंदिर बनेगा। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि यहाँ खुद प्रधानमंत्री देवी माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ रिपोर्टर दीपक चौहान। ये क्या? मेरा इस्तीफा। क्या हुआ? सच्चाई का पता चल गया है। देखो चंदू, ईमानदार लोगों की यहाँ मैं बिना तनख्वाह के भी काम कर सकती हूँ, लेकिन बेईमानी का एक भी पैसा मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। क्या कहा? मैंने बेईमानी की? नहीं तो क्या? कब्जा की हुई जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करना क्या बेईमानी नहीं है? केवीआर का नुकसान पहुँचाने के लिए उसकी साइट पर मूर्ति रखना क्या बेईमानी नहीं है? और ये सब मेरी पीठ पीछे करना क्या बेईमानी नहीं है? सुनो महालक्ष्मी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना। चुप हो जाओ। तुम सच नहीं जानती हो। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ पहले ये जान लो, उसके बाद फैसला करना मैं सही हूँ या गलत। तुम सिर्फ इतना जानती हो कि केवीआर एक बिल्डर है, लेकिन वो मेरे पिताजी के लिए भाई से भी ज्यादा है। वह जो कुछ भी है मेरे पिताजी की वजह से है। सारे गांव वाले और मेरे पिताजी वेंकट चाचा का आज भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, धोखेबाज को सबक सिखाया। मेरी नजरों में यह गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारी मर्जी, जो ठीक लगे वो करो। उसके आदमी को मिलने के लिए बुलाओ। सर, चंदू से लफड़ा फिर यादव का आदमी क्यों? पेड़ को काटने के लिए डालियां काटना काफी नहीं, जड़ को काटना पड़ता है। जो कहा है वो करो। क्या देख रही हो? हाँ? चंदू, ये मैडम कौन है? अगर ये मैडम नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उसी ने मुझे समझाया कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी तुम्हारी मैडम से मिलना चाहती हूँ। पहले मैं तो उससे मिल लूँ। अभी तक नहीं मिला हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या इतनी इज्जत करते हो उनकी? बहुत इज्जत करता हूँ। या प्यार के लड्डू फूट रहे हैं। हाँ? सब बता दूँ तुम्हें? ये भी ना। हेलो हेलो कौन? मैं, मुझे भूल गए बेंच बॉय। अरे बाप रे, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। आपने जो मुझे लेटर दिया था उसका फ्रेम बनाकर ऑफिस में रखा है मैंने, अपनी नजरों के सामने। अच्छा, वैसे कैसे हो तुम? सच कहूँ तो हाल बुरा है। क्या हुआ? आजकल नींद नहीं आती है। तो करवट बदल लिया करो ना। मुझे एक बार आपको देखना है। तुमने अपने तस्वीर में मुझे खूबसूरत मान लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खूबसूरत दिल होना चाहिए मैडम, शक्ल नहीं। आप जैसी भी हो, मुझे बस आपकी एक झलक देखनी है। अब अभी नहीं। एक बार मैडम। ठीक है। कहाँ हूँ मैडम? पिज्जा शॉप। बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हेलो, आज मत आओ। कल। कल क्यों? अगले साल। नहीं, कल छुट्टी है। 3 बजे, टेबल नंबर 6। बाय। मैडम, मैडम फोन नंबर। यो! क्या हो गया सर? गुड न्यूज महालक्ष्मी। क्या हुआ? नया प्रोजेक्ट मिला? गोली प्रोजेक्ट को मारो गोली। थोड़ी देर पहले हम मैडम की बात कर रहे थे। हाँ। और मैडम का फोन था, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। क्या कुर्ती? सुनो महालक्ष्मी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैडम ने बुलाया ना। मैडम ने मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं। तो तुम्हें जाने की इतनी जल्दी 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 क्यों है? ऑफिस में बहुत से काम है, उसे संभालो। जाओ, 1 तारीख को सैलरी मांगने आ जाती हो। जाओ। जाती हो। महालक्ष्मी, क्या हुआ सर? लड़के से पहली बार मिलने जाते हैं तो क्या लेकर जाना चाहिए? मुझे तो लाल गुलाब पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है वो मत बताओ, मैं क्या लेकर जाऊँ? लड़कियों को तो गुलाब के फूल ही पसंद आते हैं। रेड रोज लाल गुलाब। जाओ, मुझे सोचने दो। सलाम साहब। यादव का खास आदमी है, काफी साल से है ये उसके साथ। इतना अरसा हो गया तुम्हें यादव के साथ रहते हुए, बेशक तुम्हारा बहुत ख्याल रखता होगा। भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह को ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच खिलाते हैं और रात को तो बिरयानी, और उसके साथ दारू गारंटी मिलती है। इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए? इतना सारा पैसा, काम क्या है साहब? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? जवान क्या घर छोड़ा है? बोलना। हा? हा? ये क्या है भाई? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका नमक खाया है। आपकी सुपारी कैसे ले सकता हूँ? अबे ऐसा कौन सा नशा करके आया तू? किसने दी मेरी सुपारी? गलती हो गई, उसने कहा था प्रॉफिट में हिस्सा देगा। अगर आपको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। आपको मारने के लिए मुझे यहाँ चंदू ने भेजा है भाई। ये सब उसी का प्लान है। चंदू का प्लान? टेबल नंबर 6 वो रहा। महालक्ष्मी तुम, मतलब वो पिज्जा, लेटर, मैडम। बैठ सकता हूँ? थैंक यू। इतनी पास थी फिर भी नहीं पहचान पाया। जी सर। टेबल नंबर 6 उस तरफ है सर। महालक्ष्मी तुम, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे मैडम 5 मिनट में आ जाएगी। तुम्हें यहाँ देखेगी तो क्या समझेगी? उन्हें लगेगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेरी बात मानो, मेरी सेटिंग मत बिगाड़ो। पहले मैं मैडम से मिल लूँ, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। प्लीज चली जाओ ना। अरे जाओ यहाँ से। मैडम क्या सोचेगी? हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। चली जाओ यहाँ से। सच में जाऊँ क्या? इसकी कसम है तुम्हें। चली जाओ, जाओ। डेट खराब कर देती है। वो मैंने कॉफी पी थी, उसका बिल। आई विल पे, मैं भर दूंगा। मुझे बहुत से काम है, अब जाओ यहाँ से। गुलाब आप मस्त दिख रहे हैं। थैंक यू। ये तो कंस मामा है। अरे बच गया, लड़की हाथ से निकल गई है। जीजा को बताना पड़ेगा। ए शाने माची से क्या? अरे ओ माची से क्या? सिगरेट कौन तेरा जीजा देगा? श्वेता, तुम्हें सिगरेट का भी शौक है? तुम्हारा ही नाम श्वेता है ना? मेरा नाम श्वेता नहीं है। मैं रश्मिका मंदाना हूँ। रश्मिका मंदा? मंदा नहीं, मंदाना। मंदाना। इधर दे, चल कट ले। जीजा जी बिल्डिंग बना रहे, उनकी बेटी सबको बना रही है। ए चंदू। अरे भाई आप यहाँ? तेरे से एक जरूरी काम है। हाँ बोले ना भाई। हाँ चल चल जल्दी भाई। हाँ आजा, चला रे। हाँ बताइए भाई। तेरे जैसा चालाक दिमाग अपने पास नहीं है रे चंदू। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं भाई? सबर रख जरा, जहाँ हम जा रहे हैं वो मेरी फेवरेट जगह है। जब दिमाग पे लोड आता है ना तो मैं वहीं जाता हूँ। समझा? कौन सा लोड है भाई? अपनी पीठ पे किसी ने छुरा भोंका है चंदू। आपके पीठ पर छुरा भोंक कर कोई जी सकता है क्या? कौन है वो? है कोई अपना ही। दोस्तों के लिए फूलों का हार हूँ और दगाबाज के लिए तलवार। क्यों भाई, ये जमीन तो शहर के बाहर है, यहाँ भी कुछ बनाना है क्या? हाँ चंदू, उसी दगाबाज की यहाँ कब्र बनाना चाहता हूँ। जगह कैसी है? कौन है वो भाई? कोई और होता तो इतना ज्ञान क्यों देता, तू ही है वो। मैं भाई? ये क्या कह रहे हैं भाई, ये सब क्यों? दर्द तुम्हें नहीं, उसे होना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ गद्दारी की। आई एम केवीआर। बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की मैं जानता हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे नहीं बल्कि बड़े लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। मेरी बात मानो, मुझसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। समझ रहे हो ना? तुम्हारे पास साइट्स हैं, मेरे पास पैसा है, पावर है। हम दोनों एक हो गए तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे दिमाग में यह सवाल होगा कि आज मैं तुम्हारे पास क्यों आया, तो उसका जवाब यह है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, चंदू। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे टच करने की, उसने की है। अब या तो वो रहेगा या फिर मैं। भगा देंगे उसे, इस शहर से ही भगा देंगे। आप समझे नहीं, कोई एक जिंदा रहेगा। तुम फिर से गलती कर रहे हो यादव। तुमने उसे मार दिया तो एक पल में उसे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें धोखा देने वाले को हर पल तड़पना होगा, और जब वो तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगा यादव, तब तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। खुश श्वेता, वो दो ना। क्या दूं? आम का अचार। ओह, नींबू का अचार। ओहो, अब आम ने भी अपना नाम बदल लिया क्या? ओ जीजा जी, अपनी श्वेता ने अपना दूसरा नामकरण कर लिया है। पता है क्या रखा? रश्मिका मंदाना। मीठा है तो श्वेता, चटपटा है तो रश्मिका। जीजा जी, एक बात बताऊं, आपकी जबान बाहर आ जाएगी। श्वेता सिगरेट का छल्ला बनाती है, और वो सिगरेट मैंने ही जलाई थी। तुमने जलाई थी? जलाई थी। इसका मतलब कि तुम भी सिगरेट पीते हो? नहीं जीजा, मैं तो बीड़ी भी नहीं पीता। सुनो, वो मेरी बेटी है, वो मेरी जिंदगी है। उसके बारे में गलत बातें फैलाई तो, या उसे जरा भी परेशान किया तो जान से मार डालूंगा। खाओ। दोपहर को मुझको मिली थी ना, रश्मि का नाम बताया था, सिगरेट भी मांगी। डैडी को बताऊं? मासूम को सता रहे। नमस्ते भाई। नमस्ते। ये क्या है? इनविटेशन। उसकी जरूरत नहीं है, खाने का टाइम बताओ। भंडारा नहीं हो रहा भाई, इवेंट है। अब वहाँ मैं नहीं जाता। अबे तुझे बुलाया भी नहीं है। केवीआर साहब के लिए। डेढ़ फुटिया औकात में रह के बात कर। मैं औकात में ही हूँ, तू अपनी औकात में रह। अबे सुन, ये गुलदस्ता भी साहब को दे दे। हो गया ना, अब जाए यहाँ से। ये जाके दे, साहब मुझे बुलाएंगे, तब तक मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। बहुत ढीठ आदमी है ये। जीजा जी, अब बाहर आपसे कोई मिलने आया, ये लीजिए। ये है क्या? कौन है वो? अभी है या चला गया? मैंने जाने के लिए बोला था, पर वो इंतजार कर रहे हैं। बुला बुला, जल्दी बुला उसे। उसने सही बोला था, बुलाएंगे। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। नमस्ते साहब। तुम भूल गए साहब? अरे साहब, मैं आपके दफ्तर में से 25,000 रुपए मैंने चुराए थे। उस दिन मेरी माँ बहुत बीमार थी साहब, ऑफिस वालों ने एडवांस नहीं दिया, आपसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए चोरी की थी। आखिर में अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया, बहुत शर्मिंदा था और शहर भी छोड़ दिया था। उन्हीं पैसों से मैंने नया धंधा शुरू किया, बहुत तरक्की की साहब। मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए आपके नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से इस ट्रस्ट का उद्घाटन करें। आपको आना ही होगा साहब। देखो, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मैं कहीं ज्यादा आता जाता नहीं हूँ। हम यहाँ एक नेक काम कर रहे हैं, सारे मीडिया वाले वहाँ पर मौजूद होंगे, और इस कार्यक्रम के बाद आप पूरे देश में मशहूर हो जाएंगे साहब। मेरे दिल से बोझ भी उतर जाएगा। ओके, मैं आ जाऊँगा। शुक्रिया साहब। नमस्कार साहब। आइए आइए, आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं, थोड़ा साइड हो जाओ। ये ट्रस्ट के मेंबर हैं। मंत्री जी आ गए। हाँ, एक मिनट साहब। देखा तूने, इसे कहते हैं सम्मान। सर, थोड़ा बहुत सम्मान मुझे भी दिलवाइए ना। सबका ठेका ले रखा है मैंने। क्यों साले साहब, कोई जब तारीफ करता है तो अच्छा लगता है ना। एक बार मेरी तारीफ करो, फिर बताता हूँ कैसा लगेगा। मत करो। जीजा जी, मुझे एक डाउट है। क्या? उसने आपको बुलाया और आपने वहाँ साइकिल बांटी, इसमें कौन सी समाज सेवा की आपने? और अखबार में आपकी फोटो क्यों छपी? तो तेरी छपनी चाहिए क्या? बात सुन, पैसे वालों के आगे पीछे घूमना लोगों की फितरत है, और मौके को शिकंजे में दबोच लेना केवीआर की फितरत है। फिर तो आए दिन अखबार में आपकी फोटो छपेगी। मतलब कुछ लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, लंबा लंबा गुलदस्ता लेकर। बुलाऊं क्या? फौरन बुलाओ। नमस्ते। नमस्ते सर। आइए, बैठिए। कहिए। बात यह है, हम लोग जो सीनियर सिटीजन के लिए घर बना रहे हैं, उसमें सभी लोग चंदा दे रहे हैं। आपको कल मदद करते हुए देखा तो सोचा आपसे भी मिल लिया जाए, इसीलिए आपके पास आए हैं। तो आप कुछ कर सके तो। दरअसल मेरी चेकबुक। चेकबुक जीजा जी। सेवा, समाज सेवा। थैंक यू सर। तेरी केवीआर सिर्फ दिखावा करता है। सोचा था बड़ी रकम मिलेगी लेकिन हाथ में चिल्लर थमा दिया। वो चीफ गेस्ट नहीं बन सकता। उसे चीफ गेस्ट नहीं चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं केवीआर ट्रस्ट से आया हूँ। केवीआर सर ने गलती से आपको दूसरा चेक दिया है। उन्हें ये बात पता चली तो वो शर्मिंदा हो गए और 5 लाख रुपए आपके ट्रस्ट के लिए भेजे। वो चेक मुझे वापस दे दीजिए। केवीआर सर ने 5 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ये बात आप मीडिया को बताएंगे या मैं बताऊं? हम बुलाएंगे सर, ये हमारा ही काम है। थैंक यू। तुमने डोनेशन केवीआर के नाम पे दिया है। हर कोई अपने दुश्मन की बर्बादी चाहता है लेकिन तुम तो अपने दुश्मन की भलाई कर रहे हो चंदू। इससे उसके तेवर और बढ़ जाएंगे। पब्लिसिटी केवीआर की कमजोरी है। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना ही बिजनेस है, आप तो जानते ही हैं सर। तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है चंदू। केवीआर से जुड़ी सारी फाइल्स को तुम अलग कर दो, ठीक है? और एक कॉपी फौरन मुझे मेल कर दो। कौन है ये केवीआर? हर पेपर में उसकी फोटो, हर चैनल पे उसकी बात, हर फंक्शन में उसे बुला रहे हैं। सीएम साहब, कभी ये आईएएस ऑफिसर हुआ करता था पर आज की तारीख में बहुत बड़ा बिल्डर है। आप देखते जाइए सर जी, बहुत जल्दी ये अपनी पार्टी बना लेगा। इससे पहले कि वो अपनी पार्टी बनाए उसे अपनी पार्टी में ले लो। हेलो, मैं चंदू का पिता बोल रहा हूँ। फोन देना उसे। अभी बुलाती हूँ। किसी लड़की ने फोन उठाया। कौन है जी? अरे अपने वेंकट की बेटी होगी। चंदू, तुम्हारे पिताजी का फोन। हाँ पापा बोलिए। मेरी बात छोड़ दो, ये बता कि वेंकट की कोई जवान बेटी है? क्यों पापा? बेटी है कि नहीं है? शायद है पापा, और बहुत ही सुंदर लगती है। बिल्कुल सही कहा। हे, तुझे एक राज बताता हूँ, उससे मत बताना। बोलिए ना पापा। अरे बेटा, वो हमारे अमलापुर के सिद्धार्थ जी है ना। कौन? अरे वही अमलापुर वाले। कल रात ही मुलाकात हुई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वेंकट के दिन अच्छे नहीं हैं। शनि की ढैया उसकी राशि पर लग चुकी है। लगने दो, उस शनि पे आपका चंदू भारी है। चुप कर। इसके लिए एक काम कर। बोलिए ना। अच्छा है कि नहीं बताओ? तू कौन है बे? चार्ली, चतुर चार्ली। और मैं हूँ नंदू, अपने जीजा का हूँ मैं बंदू। क्या चाहिए? तू नरम पाव की तरह क्यों बात कर रहा है? मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। क्यों, बहुत ताड़ रहे हो? कोई झोल है क्या? झोल क्या, वो मेरी प्यारी भांजी है। क्या कहा? भांजी है? अगर भांजी है तो जाकर बात करना। नहीं जा सकता, जाऊंगा तो वो मेरी धुलाई करेगी। अरे रे 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 रे, दिमाग में बात घुस नहीं रही है, जरा डीप में बताओ। डीप में बताओ? हाँ इतनी बात है। अपने पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तेरा हुलिया बदलना होगा। वो कैसे? ऐसे। पहचानेगी तो नहीं? आराम से पहचान लेगी। तेरे जिस्म पर ये जो गहने हैं ना, इसे देखकर आराम से पहचान लेगी। जीजा का सोना हो ना, इसलिए पहनता हूँ। अब उतार देता हूँ। छोकरा बहुत शाना है, समझ गया। ये सब तुम संभाल के रखना है। ओके जाओ। अच्छा सुन, तूने पुरानी पिक्चर देखी है क्या? अनगिनत। पुरानी पिक्चर में हीरो को विलन ना पहचान ले, इसलिए वो मुछिया मस्सा लगा लेता है। तुझे भी पहचान छुपाने के लिए यही करना होगा। मेरी तो मुझे है ना, तो मस्सा लगा ले। ठीक है। ए, अब पहचान मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? अरे मैं बोले तो ये कपड़े और गहने मेरे ही तो हैं। ये सब तूने नहीं दिया है, ये मुझे एक बड़े ही नेक फकीर ने दिया है। दुआ में याद रखना। सुनिए, अब पहचानिए। माँ कसम, अरे तू है क्या? तुझे तो पहचाना ही नहीं। मैं जाके आऊँ। मदद की गरीब को कुछ तो। पर्स में 5.5 रुपए रखे, ले लो। आपका दिल दरिया नहीं समुंदर है। तुम्हें जाऊँ, दौड़ कर जाना। पुल खोलूंगा मैं। चार्ली, चतुर चार्ली। यहाँ बे, मेरा पीछा काहे को कर रहा है? वाह, तुमने तो मुझे पहचान लिया। श्वेता। श्वेता नहीं बे, रश्मिका, याद रखना। अरे बाप रे, जब से इससे मिला हूँ मेरा तो आतंक ही खत्म हो गया है। जल्दी से घर जाके पता लगाता हूँ। रश्मिका, तुम यहाँ कैसे आ गई? रश्मिका कौन है मामा जी? तो तुम श्वेता हो? हाँ। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मामा जी, आपने रश्मिका को देखा है? तुम रश्मिका को जानती हो? ये राज सिर्फ मैं ही जानती थी, अब आपको भी पता चल गया। श्वेता, ये रश्मिका कौन है और तेरे जैसी क्यों दिखती है? ये एक लंबी कहानी है मामा जी। तो मुझे भी बताओ ना प्लीज प्लीज। मैं और रश्मिका सौतेली बहने हैं। लेकिन मेरी दीदी को तो एक ही बेटी है। लेकिन मेरे डैडी की 2 बीवियां हैं। वो एक बरसात की रात में बिजली कड़की, पापा, मम्मी, उस मम्मी ने रश्मिका को जन्म दिया। अबे जीजा, आज तक ये राज मेरे दिल में दफन था। आपने उस राज से मिट्टी हटा दी। किसी को बताना नहीं, 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 कभी नहीं। पापा को भी मत बताइएगा। उनको नहीं मालूम है क्या? वो भी नहीं जानते। कैसा बाप है, बेटी के बारे में पता ही नहीं, निर्दयी चीज़ है। इन आंसुओं को मत बहाओ, जलन हो रही है। समझ सकता हूँ, इसमें तो जलन होगी ही ना। औरत सच में हिम्मत वाली होती है। तुम जाके अपने जीजा को खाने पर बुलाओ। ठीक है। दिल वाली हो दीदी, इतना मान कैसे हो सकता है कोई? मेरा भाई प्याज काटने पर मेरे आंसू आते हैं तो कितनी तकलीफ होती है इसे। अरे मैं भिजवा दूंगा पैसे, तुम वहीं रहो और बार बार मुझे फोन मत किया करो। जीजा किससे बात कर रहे हो? मैं सब जानता हूँ। जानते हो तो क्या कर लोगे? पैसा कमा लिए तो कुछ भी करोगे। दीदी ने आपको खाने पर बुलाया है। चुप कर, ब्लडी साइको। जा कपड़े पहन कर आ। बेवकूफ। डैडी, एक रिसर्च के लिए हमारी कॉलेज से गांव में टूर जा रही है, तो क्या मैं भी जाऊँ? अगले हफ्ते जाना है। हाँ चली जाओ। पैसे वैसे चाहिए? नहीं। कौन से गाँव जा रही हो? कृष्ण नगर। वॉट? कौन से गाँव? कृष्ण नगर। आप आ गए? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछा। शायद उस गांव में रोड नहीं है, ब्रिज नहीं है, नाव में जाना पड़ेगा तुम्हें। दरअसल शहर वालों से ज्यादा गांव वालों में अपनापन, प्यार, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। उसी पर रिसर्च करना है। हैदराबाद जैसे शहर में भी प्यार होता है ना? वहाँ पे क्या है? मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जान गया हूँ। नहीं तो आपको दूसरा अकाउंट कहाँ से खोलता? अपनी बक बक बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बेचारी दीदी, रोना नहीं। क्या तकलीफ है? श्वेता, गांव में काफी गंदगी हो रही है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कैसे मैनेज करोगे तुम वहाँ पर? मतलब हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। लेकिन बेटा तुम वहाँ कैसे रह पाओगे? वहाँ का पानी भी बहुत। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ध्यान रखना। वन इम्पोर्टेंट थिंग, उस गांव में अपने आपको केवियर की बेटी मत कहना। क्यों पापा, कोई प्रॉब्लम? नो 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 नथिंग। ऐसे ही, मतलब तुम वहाँ पे ये बताओगी कि तुम केवियर की बेटी हो, तो मेरे ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। लोग ऐसे तंग करेंगे तुम्हें। ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? ये गलत है। क्या डफली वाले, क्या हुआ तेरे को? हमें आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? आपको प्रेसिडेंट जी ने शहर क्यों भेजा था? चाचा से मिलने। हाँ, और वहाँ जाकर क्या करना था? क्या करना था? चाचा जी को लाने के लिए कहा था, और आप इन्हें उठा रहा है। अरे ये आई ना, ये वेंकट चाचा की बेटी है। हाँ? क्या बात है, वेंकट चाचा की बेटी आई है। सुनो, वेंकट रत्नम की बेटी आई है। सोना नहीं, हीरा है, हमारे गाँव का हीरा है। अरे अरे क्या कर रहे हो? छुओ मत इसे, अरे गंदी हो जाएगी। जाओ जाओ, हटो, जाओ जाओ, चलो आओ। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, एक बात बताता हूँ, वेंकट चाचा पर मेरे पिताजी बहुत भरोसा करते हैं। ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए झूठ बोला। पर ऐसा क्यों बोला? बताता हूँ। पापा से केवीआर की बेटी को मिलाने का वादा किया था। जब तक यहाँ हो केवीआर की बेटी बनकर रहोगी। अगर मना कर दूं तो? क्या करूँगी, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? अब से तुम मुझे श्वेता कहोगे। वो क्यों? कैरेक्टर में रहना बहुत जरूरी है। छोकरी शानी है। चंदू कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। पापा ये तू मत बोल। वही आंखें, वही नाक, वही पैर, बिल्कुल ठीक, पूरी अपनी वेंकट की ही तरह है। तेरा नाम क्या है बेटी? श्वेता। झूठ बोल रही है मालिक। ऐसा क्यों बोल रहे रे घोचू? शहर में ऐसे नाम थोड़े होते हैं। मीना, मीना, टीका, ऐसे नाम होते शहर में। चल मैं नहीं मानता। चलो अभी मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठी है कसम से। अरे बता तूने इसको कब पटाया? अरे बता ना, अरे बता ना कैसे? क्या हुआ? आप पूछ रहे थे हम आपके हैं कौन, तो तुमने क्या बताया? पता नहीं, सीक्रेट रखा है। चलो हम इसके दोस्त हैं। बहुत अच्छे हैं। लाल लाल नमस्ते। सुन भाई, इसमें 10 लाख रुपए हैं। बैंक अकाउंट खुलवा और उसमें डाल देना, जरूरत पड़े तो ही निकालना। अरे इतने पैसे का हम क्या करेंगे? चुप, डाका तो नहीं डाला ना? अरे बकवास बंद कर, कोई गड़बड़ हो गई तो यार। अरे अपनी किडनी बेच के लाया है क्या? जाना जरूरी है क्या? जो कहा करना। लेकिन भाई इतना ताला पैसा, गुस्सा कर रहा है ये। तुम्हारे लिए उस लड़की का और तेरा चल रहा है। चल चल, बैंक बंद हो जाएगा, हम आते हैं। चलो चलो तंदू इधर, वो तेवियाल की बेटी नहीं है क्या? नहीं। अबे मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तो बोलना तेरी कौन लगती है? हाँ तो ये डुप्लीकेट है क्या? इसके लिए फ्री का सिम कार्ड भी दे दे। अबे अब क्या मेरी जान लेगा? अबे अपना मुंह बंद रख। ये बाहुबली वाला प्रभास वहीं रहता है ना? क्या तू मिला उससे? हाँ, हैदराबाद में ही रहता है। कटप्पा के साथ लंबी तलवार लेके सड़क पे घूमता है। कटप्पा को बुलाऊं क्या? अरे चंदू ये बता, हैदराबाद से मुंबई कितना दूर है? बगल में रे, 2 घंटे में साइकिल से हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएगा। अच्छा, तुमने कभी ऐसा किया है? नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं, कार है। अरे सब लोग चलो, खाना तैयार है। ये भर और दूसरा तू लेके आ। देख फुकट का पायरेटेड हीरो, कुछ भी करे सिंगल ही मरने वाला है। आराम से खाओ बेटी। मौसी हमें तो कभी इतने प्यार से नहीं खिलाया। अरे तू प्यार के लायक है ही नहीं, आज बिठा के खिला रही हो, चुपचाप बैठ के खा लो। चंदू की चांदनी आई है, उनका ख्याल रख रही है। ए बबलू, सोच समझ कर बात किया कर। तो गलत क्या बोला? तेरी घोड़ी पे चढ़ने की उम्र होगी, तू बोले तो अभी घोड़ी मंगवाता हूँ, वरना गधी भी बकवास करते रहता है। अरे नहीं नहीं, बस और नहीं चाहिए। अरे ये यहाँ की बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, ये तेरे बाप को बहुत पसंद है। जानती हूँ, यहाँ की मछली की वो बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ से उसके लिए ले जाना। अच्छा, तेरे पापा को बचपन में एक ताबीज पहनाई थी, वो अब भी उसके पास है? क्या बात कर रहे हो, आज के जमाने में कौन पहनता है? कुछ भी पूछते हो। हनुमान जी का ताबीज था ना, वही। वो अभी भी उन्होंने अपने हाथ में बांध के रखा है। मुझे पता था, मैंने जो उसे पहनाई थी। खाना खाइए पापा, खाते वक्त इतने सवाल कौन पूछता है पापा? बस कीजिए, खाने दीजिए इसे। हाँ बल्ला पोल तुल जाएगी। अरे बाप रे बाप, मेरी सांस अटक गई थी, लगा भांडा फूट जाएगा। बताया था ना अच्छी एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग थी। तकदीर अच्छी थी कि पापा ने पकड़ा नहीं। और हाँ, इतने सही जवाब कैसे दे रही थी? अंधेरे में तीर छोड़ा। तीर छोड़ा, अब से तीर मत छोड़ना वरना मैं घायल हो जाऊंगा। ये आवाज कैसी थी? मैंने कुछ नहीं सुना। ए, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? मेरा उससे लेना देना नहीं है ना। अबे पेट भर के खाना खाया ना, घर जाओ आप। गांव में बाजे का प्रोग्राम है, देखो बुलाने आए। बाजे का? तो जाना पड़ेगा। ये बाजा क्या होता है चंदू? बाजा बजाना मतलब हाँ, लोकल डिस्को। तो मैं भी डिस्को चलूं। वहाँ आप नहीं आ सकते हैं। क्यों? वहाँ औरतें नहीं आती, वहाँ सिर्फ मर्द ही आते हैं। रुको, इनकी बात में मत आओ, जाकर सो जाओ। जाओ और पंटरों आओ। सुनिए, लड़की बहुत अच्छी है ना? कहीं तुम वही तो नहीं सोच रही जो मेरे दिमाग में है? इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। सुनिए जी, एक बार वेंकट भाई साहब से बात कीजिए ना। अरे छोड़ो, उससे क्या बात करनी, भला मेरी बात टालेगा। बाप ले, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग करेगी। हाँ भाई, अगर एक्टिंग करने लगी ना तो टॉप की हीरोइन बन जाएगी। फिर तू तो गया 12 के भाव में। अब भी वक्त है, जो भी है असलियत बता दे। बता दो। तेरी मर्जी तो बता दे। ऊपर का देख रहा है, चल बाय। बहुत हो गया, चलो चलो अंदर बोर्ड से निकलो निकलो। चलो चल बाय बाय बाय। अगली बार मैं भी चलूंगी बाजा में। हाँ, क्या बोल रही है? नहीं बाजा नहीं, वो राजा की आएगी। अरे चुप रहना, नहीं वो राजा की आएगी बारात, उसमें हम सब नाचेंगे, टुपी पहन के, शहनाई बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे। बाय बाय, जाओ जाओ बाय बाय। बस बस, ओवर एक्टिंग बंद करो। लगता है बहू बनकर तुम्हारा यहीं टिकने का इरादा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है तो इसमें बुरा ही क्या है? फाइल दे दे। हाँ ठीक है। मिस्टर चंदू, आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस लिए? हमें कंप्लेन मिली है कि आपने कब्जा की हुई जमीन पर बिल्डिंग बनाई है। अरे साहब ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, प्लीज कोऑपरेट। समंदर की लहरें किनारे पहुंचने के लिए बहुत बेताब रहती हैं, पर पत्थरों से टकरा कर अपना दम तोड़ देती हैं। मेरी सल्तनत को तुम तबाह करना चाहते थे, नहीं कर पाए और नहीं कर पाओगे। तुमने मेरी सिर्फ एक साइड पर काम बंद करवाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई मुझे। लेकिन तुझे कैसे तड़पाना है उसके लिए मैंने सिर्फ एक चाल चली, सिर्फ एक चाल, और वो ही चंदू इस जेल में मेरे सामने पड़ा है। ये बात फैली तो तू बदनाम होगा, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझसे पहले ही कहा था मेरे सामने तू टिक नहीं पाएगा। केवीआर, मुझसे जीतने के लिए पावर नहीं दिमाग चाहिए। तू खिलाड़ी होगा लेकिन मैं पूरा खेल हूं। आखिरी मौका दे रहा हूं, अब भी अपने गांव लौट जा, नहीं तो तुमने उसके किए की सही सजा नहीं उन मिला ना। अभी नहीं, और तड़पाना है इसे। कमर टूटी है, गुरूर तोड़ना बाकी है। ये साइट है पूरे 5 एकड़ की, बीच में है ये बुड्ढे लोगों का घर। उस चंदू का प्लान था इस साइट को खरीदने का, और फिर इसके बदले शहर के बाहर 50 एकड़ जमीन में बूढ़ों के लिए घर बनाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट सरकार को भेजा है। अगर प्रोजेक्ट पास हो गया तो उसे 200 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन केवीआर उसे फायदा नहीं, नुकसान होना चाहिए। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं भाई, इस बिल्डिंग को तोड़ डाल। आपके नाम का इस्तेमाल करके हमें ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर हासिल करना है। जब ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आएगा, चंदू का नाम और काम खत्म हो जाएगा। ओल्ड एज होम को तोड़ डाला, बुजुर्ग हुए बेसहारा। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने जिंदगी जीना सिखाया, जिनकी सरपरस्ती में हमने कामयाबी हासिल की, ऐसे बुजुर्गों का हाथ जब सर पे नहीं होता तो बहुत दुख होता है। जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ नहीं है, उनमें से एक मैं भी हूं। बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, उनकी खिदमत का मौका मुझे मिला ही नहीं, लेकिन आज किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि इनकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर हो, सिर्फ मेरे। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप सबको जल्द ही दूंगा। यही बताने के लिए मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। थैंक यू। क्यों भाई, प्लान के मुताबिक सब हो रहा है ना? तुम तो मुकद्दर के सिकंदर हो भाई। सर। हाँ बोलो। इस पर सिग्नेचर कर लीजिए। जमीन के कागजात है, यादव जी ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, कुछ MOU है सर। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सर। हाँ बोलो। बुजुर्गों के लिए आपके दिल में सम्मान हो सकता है, उनके लिए तरस भी आ सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं। देखो चिदंबरम, कल तक केवीआर सिर्फ एक नाम था, आज केवीआर एक ब्रांड है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ती है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैं दिल्ली NRI कॉलोनी के लिए जा रहा हूँ, जो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसे मैं 4000 करोड़ में बेचने जा रहा हूँ। वो मेरा चेहरा देखकर नहीं खरीद रहे, केवीआर का ब्रांड देखकर खरीद रहे हैं, जो पब्लिसिटी से आता है। जाओ, आपका टिकट सर। हैप्पी जर्नी सर। बाय। अरे वाह, पैसा ही पैसा। 2 दिन का कोटा पूरा हो गया, अब तो ऐश ही ऐश है। छुट्टा है नहीं, भीख में देता नहीं। अबे ये क्या 4 पर्स? पैदाइशी रईस हूँ। उस दिन मेरे कपड़े और गहने लेके भागे थे, वही चोर हो ना तुम? अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? इस शहर में जहाँ पर भी कदम रखूं सब मुझे ऐसे ही पकड़ रहे हैं और मुझे बेवफा कह रहे हैं। तुम बेवफा नहीं हो। नहीं हूँ, हर किसी से कह रहा हूँ कि वो मैं नहीं हूँ, मेरा तिड़वा भाई है। झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ पर यकीन करते हो या सच पे? सच पे। तो फिर सुनो मेरी कहानी। उसने तुझसे कहा उसका कोई भाई है? नहीं कहा। और मैंने तुझसे कहा ना कि मेरा एक भाई है। कब कहा? ये देख, ये देख, ये देख, देखना क्या उसके पास ऐसी चेन है। नहीं नहीं थी। और मेरे पास है। क्यों है? क्योंकि मैं उसका एक सच्चा जुड़वा भाई हूँ, इसीलिए। और वो चोर है। तुम बहुत ही शातिर इंसान हो, ऐसी निशानियाँ दिमाग में रखोगे तो उसे पकड़ सकते हो। तुम्हें उस गद्दार पे इतना भरोसा है, लेकिन मुझ जैसे शरीफ इंसान पर बिल्कुल भी नहीं है। इतने आंसू बहाए तुमने, तुम पे भरोसा हो गया। इतने भावुक मत हो मेरे दोस्त, बैठ जाओ और बताओ मुझे क्या किया उसने। पूरी गहराई में जाकर बताना क्या किया उसने। उस दिन मैं श्वेता का पीछा कर रहा था, उस चोर ने मुझे धोखा दिया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। क्यों? कुछ भी हो, हमारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, इसीलिए। ओके, वो मेरे कपड़े लेके भागे। इट्स सो चीप, कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हारी तरह इतना अंतर्यामी नहीं हूँ, सो प्लीज एक बार एक्शन रिप्ले हो जाए। मैंने ऐसे उस दिन कपड़े निकाले थे। हाँ, आप दो हो या एक हो, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं। अच्छा, उस दिन धूप थी या बारिश हो रही थी? धूप थी। बहुत बढ़िया। अब धूप निकली है या बारिश है? बारिश है। तो मैं कौन हुआ? भैया। कमाल है मेरे भाई। फिर उसने तुम्हें गहने निकालने को कहा होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? आखिर मैं भी उसका भाई हूँ ना, उसे पहचानता हूँ। एक्शन रिप्ले। फिर मैंने ऐसे चेन निकाली और फिर ये अंगूठी भी निकाली। फिर उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि अब मैं जाऊँ। फिर उसने कहा होगा मदद की गरीब को कुछ तो। ये लफ्ज मेरे नहीं, भाई के, भाई के। यस। फिर तुमने क्या किया? फिर हम दोनों ने दोस्ती की और मैं चला गया। ओहो, अब भी बाउंसर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जाके श्वेता से बात करता हूँ, ऐसा कह के गया। कैसे गए थे? कैसे गए थे? मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से गया था। जाके दिखाना। ठीक है। मैं श्वेता से बात करके घूमा तो वो गायब हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही गायब हुआ था वो चार्ली। ये भी गायब हो गया। डियर फ्रेंड्स, हम सभी नाम और दौलत शौहरत कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए, लेकिन केवीआर जी ने यहीं रहकर ये सब कुछ हासिल किया है। इतना ही नहीं, वो हर भारतीय के दिल पर राज कर रहे हैं और हमारे लिए एक मिसाल भी कायम की है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कई करोड़ों खर्च करके एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया। अगर केवीआर जी की मर्जी हो तो हम सब इस प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे देकर इस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लोगों से प्यार करने वाले केवीआर जी अपना फायदा ना देखते हुए इस प्रोजेक्ट को एक ओल्ड एज होम को गिफ्ट देना चाहते हैं। ये इनका बहुत बड़ा फैसला है। मुबारक हो सर। पूरे देश में केवल केवीआर का नाम ही गूंज रहा है सर। कमाल की पब्लिसिटी की है सर। सर, स्टाफ के कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। एक एक को बुला लूं सर? बकवास बंद कर, पहले मेरी बात सुन। बोलिए। ये बता, ये खबर किसने छपाई? आप ही ने दिया। मैंने नहीं छपाई। आप ही तो कह रहे थे पब्लिसिटी करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली फ्लाइट से मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, प्रेस मीटिंग बुलवाओ। आइए सर, बैग मुझे दीजिए। ये सब क्या चिंता? इंतजाम मैंने नहीं किए सर, ये सारे इंतजाम सीएम साहब ने किए हैं। लेकिन मैंने कोई दानपुर नहीं किया है। इन्हें हटवाओ यहाँ से। हर तरफ आपकी जयजयकार हो रही है सर। खुद पर काबू रखिए, आप पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, केवीआर का नाम डूब जाएगा सर। आइए आइए केवीआर जी। सर, कैसे हैं? आपके वेलकम के लिए हमारे साथ पूरी कैबिनेट आई है। अरे हटो भाई। सर, एक सवाल सर, प्लीज सर, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सर। आप सभी का यहाँ स्वागत है। अभी कुछ ही समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री रमा रेड्डी जी श्री केवीआर जी का सम्मान करेंगे। इस समारोह का आयोजन खुद मुख्यमंत्री जी ने किया है। नमस्कार सीएम साहब, ये हैं केवीआर जी। अरे वाह। अब मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री रमा रेड्डी जी से गुजारिश करता हूँ कि वो लोगों के अन्नदाता और गरीबों के मसीहा श्री केवीआर जी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करें। लोग करोड़ों रुपए कमा के सिर्फ अपना घर बनाते हैं, लेकिन केवीआर जी ने करोड़ों खर्च करके लाखों का घर बसा दिया है। आज ऐसी मशहूर हस्ती हमारे बीच बैठी हुई है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री केवीआर जी के बारे में और जानकारी देने के लिए उनके साथ ही यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि केवीआर चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी और चंदू कंस्ट्रक्शन के मालिक श्री चंदू का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आइए सर, केवीआर जी के बारे में अब ये आपको बताएंगे। केवीआर की हकीकत मुझे पता है। सही सुना, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं। केवीआर का जन्म गोदावरी के पास एक गांव में हुआ था जिसका नाम है कृष्णानगर, जहां कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि नदी पर कोई ब्रिज नहीं है। गांव से बाहर जाने का अगर कोई जरिया है तो वो है लकड़े की टूटी फूटी नाव, और ऐसी कई नाव पानी के बीचों बीच डूब चुकी है। श्री केवीआर के पिताजी भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुए हैं। उसी दिन उन्होंने कसम खा ली कि वहां पर ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं होगा। इतने दिनों से केवीआर ने जितना डोनेशन दिया है और जितनी चैरिटी की है वो उनके लिए मामूली सी बात है। उनका ख्वाब तो कृष्णानगर में ब्रिज बनाना है। उन्होंने 20 साल पहले यह कसम खाई थी कि जब तक गांव में ब्रिज नहीं बनेगा वो वहां कदम नहीं रखेंगे। ऐसे महापुरुष को मेरा प्रणाम। ये शान है हमारे केवीआर जी की। मैं हमारे मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं कि वो दिल से केवीआर जी का सम्मान करें। आप सबको मेरा प्रणाम। श्री केवीआर जैसी महान हस्ती ने हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। इस राज्य का सीएम होने के नाते मैं केवीआर जी के इस प्रोजेक्ट में पूरा सहयोग दूंगा और जैसा कि आप जानते हैं मैं सिर्फ वादा ही नहीं करता, उसे निभाता भी हूँ। उन्होंने जिस पुल को बनाने का जिम्मा लिया है उस ऑर्डर पे मैं मीडिया के सामने साइन करके उसे अप्रूव करता हूं और साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नमस्कार। थैंक यू सर। चलो। हे भोले बाबू, तुम उसे चोर का बेटा कहते थे ना, आज वही हमारे गांव का उद्धार कर रहा है। अब बोलना बोलती बंद हो गई क्या? बजाओ। क्या बात है चंदू। आवाज आ रही है या जोर से बजाऊं? चंदू, कृष्णनगर का चंदू, सुनामी हूँ। पत्थर से टकरा कर अपना दम तोड़ दे वो लहर नहीं हूँ। सिर्फ 20 साल नहीं, 200 साल पुरानी सल्तनत को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखता हूँ। तुम मेरी हस्ती मिटाना चाहते थे, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ। तुम हारना नहीं चाहते और मुझे हार पसंद नहीं। चलता हूँ। जिस दिन हमारे गाँव के ब्रिज का काम खत्म हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आऊंगा। उद्घाटन तुम ही करोगे। चलो यहाँ से। I love you, चंदू। ये क्या? अरे बाबूजी, बाबूजी, अंकल, जाओ बाबूजी। हेलो। सुन चंदू, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। ये सब बेकार में ही घबरा रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप खामखा टेंशन लेते हैं, मैं हूँ ना पापा। तू बस मेरी बात सुन। वो अब भी मेरा वादा निभा रहा है। पुल तो बनने ही वाला है, तू उसे आने को कह। बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। उसे ले आ बेटा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। उसे देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। इन सांसों का क्या भरोसा। पापा आप बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। पापा जरूर लाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। तुमको कौन चाहिए? चाचा से मिलने आया। नहीं मिल सकते, वो कपड़े पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ से बॉम्बे जाएंगे, उसके बाद दुबई जाएंगे, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस है। मुझे उनसे मिलना है। समझ में नहीं आता। पहले तुमने फ्रेंड का बेटा हो कहकर मिले थे, जीजा ने बहुत मारा। कुछ भी बोल, मैं उस गाँव में नहीं जाऊँगा। ऐसा मत करिए, पापा को दिल का दौरा पड़ा है। प्लीज एक बार चलकर मिल लीजिए, वो आप ही का नाम ले रहे हैं। प्लीज समझिए। चाचा बताइए मैं क्या करूं? पैर पकड़कर माफी मांगूं? हार मानने को तैयार हूं मैं। चाचा प्लीज आइए ना। मैं नहीं आऊंगा। खेल में जीतना जरूरी है, किस तरह जीते वो जरूरी नहीं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। पापा के बारे में सोचिए चाचा, उनकी हालत खराब है। चाचा देखिए, मेरी बात सुनिए चाचा। चाचा आप आएंगे तो उनकी जान में जान आ जाएगी। तुम्हें यूँ गिड़गिड़ाता देख सुकून मिल रहा है। तेरा बाप मर जाए फिर भी नहीं जाऊंगा। चाचा इतने वक्त से तू मुझे तड़पा रहा था, पर अब तड़पने की बारी तेरी है। चलो ड्राइवर। चंदू क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बुरी तरह उलझ गया हूं। इतने दिनों से केवीआर को बदलने की कोशिश कर रहा हूं पर कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अब जब पापा को दिल का दौरा पड़ गया है तो वो उसे भी नाटक समझ रहे हैं। वो इंसान नहीं, राक्षस है। मैं माफी चाहती हूँ चंदू। मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं किसकी बेटी हूँ, लेकिन आज बता दूंगी। मैं केवीआर की बेटी हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारा साथ देना चाहती थी, इसलिए झूठ बोला मैंने। लेकिन मैं अपने पापा जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ चंदू, यकीन करो। मेरी एक मदद करोगी? बोलो। हेलो, कैसी हो श्वेता? सब ठीक है ना? हेलो हेलो चंदो, हे हे हे, कान खोलकर सुन, तेरी बेटी मेरे कब्जे में। ए, ये कौन सा नया नाटक है? पापा, पापा मुझे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए पापा। श्वेता, श्वेता तुम आवाज सुनी? तेरी बेटी की तकलीफ तू नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे बाप की तकलीफ मैं नहीं कर सकता। ए, ए, मेरी बेटी को खरोंच भी आएगी तो जान से मार डालूंगा। 24 घंटे में अगर गांव नहीं आए तो तेरी बेटी को नदी में डुबा दूंगा। मेरी धमकी को हल्के में लेने की कोशिश मत कर। 24 घंटे है तेरे पास। पता तो पता है तुझे, कृष्णा नगर 24 आवर्स। के लिए खड़े ये इस गांव के सरपंच हैं। अपने वादा पूरा किया वेंकट। जिंदाबाद 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 तू आधारी भाएगा, मुझे मालूम था वेंकट, तेरे वचन की लाज रखी तूने, इतने वर्ष अपने से दूर रखा तुझे, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मुझे माफ कर। वाह क्या बात है वेंकट भाई, आपने तो पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। जो वादा आपने किया था उसे पूरा करके दिखाया। हमें आप पर नाज है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गाँव वालों का प्यार है तेरे लिए। केवीआर 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 केवीआर। केवीआर केवीआर। तुमसे कुछ कहने के लिए मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। तुमसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है मुझे। अरे चाचू, आज बोलने दो बेटा। बदले की आग में मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दौलत से भाई की मोहब्बत को तोड़ा, पागल था मैं। देवता जैसे भाई की मोहब्बत मेरे सामने थी, लेकिन मैं नादान उस मोहब्बत को ठुकरा बैठा। ये क्या कर दिया मैंने चंदू? तेरा बाप कौन सी मिट्टी का बना है? क्या है वो? भगवान का रूप। इस गांव में पुल बनवाने वाले भगवान तुम हो चंदू। मैं तुझे सबकी नजरों में गिराने की कोशिश करता रहा और तूने मुझे। ये चंदू एक एहसान करेगा मुझ पे बेटा? बोलिए ना चाचा। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र कभी किसी के सामने नहीं करेगा, प्लीज। नहीं करूंगा, लेकिन चुप रहने के लिए मेरी एक शर्त है। पास के गांव में मेला लगा हुआ है, आप मुझे वहां ले जाएंगे। जो तू चाहे। आ, 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 आ। जीजा जी का तो हर जगह अकाउंट है। हेलो हेलो बेंच बॉय। मैडम आप ये नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी परेशानी पता कर सकती हूँ। तो क्या तुम्हारा नंबर पता नहीं कर सकती? थैंक यू मैडम, आप ही की वजह से ये सब हो पाया। थैंक्स से निपटा दोगे? आप हुक्म कीजिए ना, आपको क्या चाहिए? मैं तो तुम्हें चाहती हूँ मैडम। आई लव यू चंदू। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गयी? मैडम मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसका मतलब प्यार नहीं है? मैं आपको कैसे समझाऊं? पर मैं सब समझ गई, तुम श्वेता से प्यार करते हो, है ना? अपनी जान से भी ज्यादा मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि उससे शादी मत करो तो? आप नहीं कहेंगी तो नहीं करूँगा, लेकिन किसी और से भी नहीं करूँगा। अच्छा, मेरी आंखों में देखकर कहो। महालक्ष्मी तुम। मैडम मतलब तुम्हें वो सब। मैडम कब से मेरे दिल में ख्वाहिश थी एक बार आपको गले लगाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो। चंदू अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरा सारा बिजनेस अब तुझे ही संभालना पड़ेगा। अब जाने को कहोगे तब भी नहीं जाने दूंगा। महालक्ष्मी तुमसे एक बात करनी है, बाहर आओ। महालक्ष्मी, हैदराबाद में श्वेता, मुंबई में रश्मिका मंदाना और यहाँ महालक्ष्मी। बाप रे बाप, जीजा ने हर जगह झंडे गाड़े।